क्या आप सब लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं? सबका स्वागत है, सबको प्रणाम है। मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास, जीकेडी इज लाइव। पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन ने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। थैंक यू सो मच। बहुत 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 हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स टूडे। बहुत इमोशनल हूँ मैं आज। शब्द नहीं है मेरे पास आज आपका मैं कैसे धन्यवाद करूँ। कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी वृषभान राधा जू की वो वृषभान राधा जू। क्लैप क्लैप सभी वो हार्ट्स वो दिल आप प्रेस कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस लाइव सेशन। दिस राधा रानी लागे ये जो ट्रैक है ये जो भजन है ये श्रीमती राधा रानी के चरणों में समर्पित है और आप सभी के सहयोग से आप सभी के आशीर्वाद से आप सभी के प्रेम से इस भजन ने इस ट्रैक ने 3 दिन में ही 60,000 व्यूज पार कर लिए हैं यूट्यूब पे। अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिसरी अब ना कोई मिठाई अरे हमारी जबड़िया ने भावे अब राधा नाम मलाई मारी जबड़िया ने भावे अब राधा नाम मलाई वृष भानु की लाली तो वो वृष भानु की लाली तो गुड़धानी लागे महारानी लागे मन ने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मैं वो मेरा मोबाइल भी डांस कर रहा है आज तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्रेम इतना आशीर्वाद राधा रानी लागे इस ट्रैक को देने के लिए। मन ही नहीं कर रहा रुकने का, बस ऐसा मन कर रहा है गाते रहो गाते रहो गाते रहो। हजारों मैसेजेस मेरे को मिले जिसमें आप सब कह रहे हैं इट्स सच अ सूदिंग ट्रैक इट्स सच अ पीसफुल ट्रैक। मैं बहुत टेंशन में थी मेरे को बहुत स्ट्रेस था। इस भजन को सुनकर सारा का सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। समवन कमेंटेड सेइंग 2020 में कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। इतने सुंदर इतने प्यारे मैसेजेस आप सबके आए हैं मैं तो हैरान रह गया हूँ। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्यार इतना प्रेम मिलेगा। मैं आज आपसे बात करूँगा कि ये ट्रैक कैसे बनाया कितने एफर्ट्स कितना परिश्रम लगा है इस ट्रैक को बनाने के लिए। दिखने में तो बड़ा आसान है बट इट टुक अ लॉट सिर्फ सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा से और आप सबके सहयोग से ये क्या हुआ है सफल हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ आप सबको आप सबका धन्यवाद करता हूँ आप सबका रेडी हूँ मैं। आइए एक बार गा लेते हैं। प्लीज़ कमेंट आप कौन से देश से कौन से सिटी से मेरे साथ जुड़े हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी ये हम में से सबका फेवरेट पार्ट ये है ट्रैक का है ना। प्रजापिते श्री राधिके नमस्तुते राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद
कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राण मामे हरि प्रिये। ये श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावन की मालकिन है, वृषभानु सुते देवी वृषभानु महाराज की पुत्री है, प्रणमामि हरि प्रिय श्री कृष्ण की क्या है प्राण है और हम सब उनको प्रणाम करते हैं। आइए प्रणमामि हरि प्रिय 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 राधे राधे। आप सब कमेंट कर सकते हैं राधे राधे। एंड अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। राधा रानी लागे इस ट्रैक के लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए आप सबके बीच यहाँ पर आया हूँ। मैं इस ट्रैक के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, कितनी ज़्यादा मेहनत लगे, कितने शॉर्ट नोटिस पे एक दिन में पूरा ट्रैक बनाया हमने। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक हमने शूटिंग करी। कैसे एक दिन में ये एडिट हुआ है और 6 बजे शाम के 6 बजे इसको अपलोड होना था यूट्यूब पे, एंड 5:52 PM तक एडिटिंग चल रही थी। वॉइस ओवर दिया गया था स्टार्टिंग में जो आप सुनते हो कि GKD आपका काम नहीं हो पाएगा। इतना टाइट शेड्यूल में इतने कम टाइम में ये अनोखा अद्भुत मैं कहूँगा अति प्यारा अति सुंदर मन और हृदय को शांत करने वाला ये राधा रानी लागे श्री किशोरी जी की कृपा से हम सबके बीच आप सबके सहयोग से आप सबके प्रेम से हम सबको मिला है। मैं पुनः पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बहुत प्रेम दिया आपने राधा रानी लागे को। देखिएगा आज एक बहुत ही सुंदर दिन है। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। व्हाई आज इतना सुंदर दिन क्यों है, क्योंकि आज संडे है। आजकल तो वैसे भी सारे दिन संडे जैसे लगते हैं, सारे दिन छुट्टी जैसे लगते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज भगवान का एक अवतार, दश अवतार में से आपने सुना है ना, मत्स्य कूर्मा वराह नरसिंह वामन, भगवान वामन जी का प्रकट्य महोत्सव आज है। भगवान जी ने आज एक अवतार लिया था, एक छोटे से बोने से ब्राह्मण बने थे जिसको हम वामन द्वादशी के नाम से जानते हैं। मैं आज आपको वामन भगवान के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा, कुछ लेसन्स भगवान वामन की इस लीला से आप क्या अपने जीवन में ना इम्बाइब कर सकते हैं। हम भगवान वामन जी की लीला के बारे में सुनेंगे, और तो और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक महान संत का आज प्रकट्य महोत्सव श्रील जीव गोस्वामी जी के बारे में सुनेंगे। एंड लास्ट में मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा कि राधा रानी लागे जो आपके दिल के बहुत क्लोज है, सच्ची में बहुत ही प्यारा ट्रैक है। कमेंट्स में एक कमेंट आया था, वो जो भी है अगर मेरे साथ जुड़े हुए मेरे को आप सुन रहे हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने लिखा था कि इस ट्रैक को कम से कम 1 मिलियन व्यूज़ तो मिलने ही चाहिए। थैंक यू आप कोई जो भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स नॉट अबाउट द व्यूज़, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ के लिए भूखे हैं हम या हमें शेयर चाहिए या लाइक्स चाहिए सब्सक्राइबर्स चाहिए, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है जब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रयास है, बॉलीवुड हॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं इतने फेमस कर देते हैं हम रात व रात, यहाँ पर फेम की इच्छा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इच्छा है कि श्रीमती राधा रानी का नाम राधे राधे एक बार तप्त कांचन गौरंगी एक बार सुरेश्वरी महेश्वरी है ना, ये सारे श्लोक है ना हमारे शास्त्रों के एक बार किसी के मुख से निकल जाए, चाहे वो हमारे वीडियो को देखकर अट्रैक्ट हो जाए, चाहे वो हमारे म्यूजिक को देखकर अट्रैक्ट हो जाए, कैसे भी अट्रैक्ट हो जाए। यत करोषि यद अश्नाषि यद जोषि ददासि यत यत तपस्वी कौन्तेय मत कुरुषत अर्पणम। आप में जो भी टैलेंट है, आप कुछ भी जो करते हो, अगर हम कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, उसकी जो क्या नाम है मैं कहूँगा द एपिटोम ऑफ योर टैलेंट इज व्हेन यू सरेंडर योर टैलेंट योर सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा। ये प्रयास किया गया है और मैं निश्चित रूप से ये जानता हूँ कि प्रयास कुछ मात्रा तक सफल भी हुआ है। It will get 5 million views. It's so beautiful and so full. Thank you, Shruti Gupta, Nidhi ji jude hue hain, Hemant Patel ji, Sagarika Das, and RK is with us, Seema Shah, Diksha,
एंड ऑल मेनी मेनी डिवोटीज, आप सबको प्रणाम। आइए लाइव को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सबके कमेंट्स भी पढ़ूंगा, आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, लेकिन लेटर ऑन। सबसे पहले भगवान वामन भगवान के बारे में हम जानते हैं, कौन है वामन भगवान जी? श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंध हैं? माय क्वेश्चन टू यू, इट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन। चलिए, श्रीमद् भागवतम में कितने कैंटो हैं? कौन मेरे को आंसर करके बताएगा? दो है, तीन है, चार है, आठ है, नौ है, कितने हैं? श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंध हैं? राखी डोगरा जी, यू आर इनक्रेडिबल, थैंक यू सो मच। प्रतिभा शर्मा जी, थैंक यू। ईशा पटानी, आपकी वजह से एटलीस्ट ये दो श्लोक तो बहुत लोगों को आए होंगे, आया, थैंक यू। निरुता चेत्री जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दानिश मेहरा जी, हरे कृष्णा। सोनाली, हरे कृष्णा। प्रभु जी, यू नॉट रिप्लाई ऑन इंस्टाग्राम, आई डू रिप्लाई ऑन इंस्टाग्राम। सो मेनी स्वीट वंडरफुल मैसेजेस, थैंक यू सो मच। माय क्वेश्चन अगेन, श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं, कौन बताएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्राणमामि हरि प्रिये। यस, ईशा पटानी, यू गॉट इट राइट। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंध है और 12 स्कंध में से 8वें स्कंध में श्री भगवान वामन जी की लीला आती है। हुआ क्या था? असुरों का और देवताओं का आपस में क्या होगी, लड़ाई होगी, युद्ध हो गया, और असुर के राजा हैं बलि महाराज, देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो इंद्र ने बलि महाराज का क्या कर दिया, वध कर दिया। ये बलि महाराज अपने आप में बहुत शक्तिशाली, ये किसके वंशज हैं? हिरण्यकशिपु के, ठीक है, हिरण्यकशिपु के पुत्र है प्रहलाद जी, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के पुत्र है विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि, बहुत बल है इनमें, इसलिए इनका नाम बलि महाराज, ठीक है। लेकिन हार गए युद्ध में, इंद्र ने उनको मार दिया, लेकिन भृगु ऋषि के जो वंशज हैं, भृगु ऋषि जो इतने पावरफुल हैं, उनके जो शिष्य हैं शुक्राचार्य जी ने उनको क्या कर दिया, जीवित कर दिया, अपने तपोबल से उनको जीवित कर दिया। बलि महाराज जीवित हो गए तो उन्होंने अपना सारा जीवन ही अपने गुरु महाराज को समर्पित कर दिया। सारे देवताओं ने देखा, अरे शुक्राचार्य जी ने हमारे महाराज को जीवित कर दिया, तो अब सब ने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, बताइए हमें क्या करना है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, पूरा का पूरा विश्व को जीतने के लिए आपको विश्वजीत यज्ञ करना पड़ेगा। विश्वजीत यज्ञ करने के लिए बलि महाराज बैठे, जैसे यज्ञ करने बैठे, हवन में आहुति लाली, तो उसमें से क्या हुआ, सबसे पहले एक सोने का रथ निकल के आया, उसमें से पीले घोड़े निकल के आए जैसे इंद्र के होते हैं, उसमें से एक ध्वजा निकल के आया जिसके ऊपर शेर का चिन्ह था, उसके ऊपर सोने के धनुष बाण निकल के आए, उसमें दो तरकस जिसमें एरोस डालते हैं, जिसमें कभी भी एरोस खत्म नहीं होते हैं, दो तरकस उसमें निकल के आए। ये सब क्या कर दिया, बलि महाराज ने अपने पास रख लिए, बहुत शक्तिशाली हो गए। तो लेसन नंबर वन, जब कोई अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो उसके अंदर बहुत ही शक्ति आ जाती है, बहुत ही तेज आ जाता है। उसको अलग से फाउंडेशन है ना, वो माताएं लगा दी ना फाउंडेशन, तो उसको अलग से फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही स्वतः चेहरे से पूरे शरीर से बहुत तेज आ जाता है, एंड ही गेट्स अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पावर। अब बलि महाराज तेज से भर गए, इतने शक्तिशाली हो गए, उन्होंने पुनः क्या कर दिया, इंद्र के ऊपर प्रहार कर दिया। लेसन नंबर टू, प्लीज काउंट करते रहना मैं आपको कितने लेसन सिखा रहा हूँ आज। तो लेसन नंबर वन है कि गुरु की अगर हम शरणागत हो जाते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, बहुत तेज हम में आ जाएगा और सारे काम बड़े सरल हो जाएंगे। लेसन नंबर टू, अब उन्होंने क्या कर दिया, प्रहार कर दिया इंद्र के ऊपर। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 8वें स्कंद में कि जब बलि महाराज ने स्वर्ग लोक पर जब उन्होंने एंट्री करी, तो उनके साथ जो असुर थे, ऐसा लग रहा था मानो सारा का सारा आकाश को निगल जाएंगे, उनके शरीर से इतना तेज आ रहा था। इंद्र वैसे ही करोड़ों कामदेव के समान सुंदर हैं, लेकिन जब बलि महाराज स्वर्ग में प्रवेश करे तो ऐसे लगा कि सैकड़ों सैकड़ों करोड़ कामदेव इकट्ठे हो गए हों, सैकड़ों सूर्य इकट्ठे हो गए हों और एक साथ चल रहे हों, ऐसे बलि महाराज का तेज था। जैसे ही सब इन क्या नाम है स्वर्ग लोक के जो क्या नाम है जो गंधर्व हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, उनको देखा
तो उनकी जब उनकी दृष्टि उनकर उनके ऊपर पड़ रही थी, वो थर थर कांपने लग गए थे, ठीक है, सब इधर उधर उथल पुथल भागने लग गए। लेसन नंबर टू ये है कि इंद्र हमेशा भोग विलास में लगा रहता है, उसको हमेशा बस नाच गाना ही करना है, उसको मदिरा पान करना है। तो ये लेसन नंबर टू ये है कि हम भी क्या करते हैं, इंद्र की तरह हमेशा भोग विलास में लगे रहते हैं। वी आर ऑलवेज, कुछ लोग हमेशा शराब पीते रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, कुछ लोग हमेशा क्या नाम है अपना अपना टाइम मूवीज़ देखने में, गंदे गंदे गाने सुनने में, गंदे गंदे चीज़ें पढ़ने में, गंदे गंदे मैगजीन पढ़ने में, है जी, इधर उधर की बातें करने में भोग विलास में लगे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इंद्र को पहले लगा कि मैंने बलि का वध कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। बलि महाराज वापस आ गए। लेसन नंबर टू इज, अक्सर लोग हमें क्या कहते हैं, अरे यार क्या है यार, जब देखो 24 घंटे ये हरे कृष्णा करते रहते हो, हमेशा 24 घंटे बस माला ही फेरते रहते हो, हमेशा 24 घंटे लाइव आते रहते हो, बस यही बोलते रहते हो, हरे कृष्णा जपो, हरे कृष्णा जपो। श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते थे। प्रभुपाद जी कहते थे जैसे बॉर्डर पे क्या है, दो देश आपस में लड़ रहे हैं और दूसरा देश 24 घंटे गोली मार रहा है, गोलियां चला रहा है, और आप अगर सिर्फ 2 घंटे ही गोलियां चलाओ और बाद में कहो कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा, थोड़ा सा देख लूँ जरा व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है, अरे इंस्टाग्राम पे जरा चेक कर लूँ, यूट्यूब पे कितने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, वहाँ पर 24 घंटे वहाँ से गोलियाँ चल रही हैं और तुम सिर्फ 2 घंटे के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तुम माला फेरो, इससे काम चल जाएगा? अरे 2 घंटे में 16 माला हो जाती है, तो बस मिनिमम बार है। 24 घंटे माया अपनी गोली चला रही है, कौन सी गोली आपको लग जाए, अगर आप हरिनाम की गोली नहीं चलाओगे तो फिर पक्का क्या हो जाओगे, माया की चपेट में आ जाओगे। तो इंद्र सोचता है कि थोड़ी बहुत भक्ति कर लेंगे बस हो जाएगा काम। बलि महाराज जैसे आते हैं, इंद्र तो थर थर कांपने लग जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये यहां पर कैसे आ गए। तो दौड़ते हुए वो अपने गुरु महाराज के पास गए, बृहस्पति अपने गुरु महाराज के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु क्या करें, हे गुरुदेव क्या करें। गुरुदेव ने कहा कि इस समय तो मैं भी बलि महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु महाराज की बड़ी सेवा करी है, ब्राह्मणों की सेवा करी है, तो उसका फल ये है कि वो बहुत बलवान हो गए। तो इंद्र ने पूछा कि हे गुरु महाराज मैं करूँ तो करूँ क्या अब। उन्होंने कहा लड़ तो तुम इससे पाओगे नहीं, भाग जाओ, निकल लो पतली गली से। तो इंद्र क्या, सारे देवी देवताएं अलग अलग जगहों पे जाकर छुपने लग गए, कोई सांप बन गया, कोई क्या नाम है, किसी ने बंदर का रूप आकार धारण कर लिया, कोई पताल लोक चला गया, कोई इस लोक में चला गया, सब छुपने लग गए। इंद्र भी वहां से भाग गया कि बलि महाराज क्या करेंगे, मार ना डाले। अब बलि महाराज आके शासित करने लग जाते हैं, लेकिन जब वो शासन प्रारंभ करते हैं, शुक्राचार्य जी कहते हैं लेसन नंबर 3, आप नोट कर रहे हो ना कितने लेसन हो गए हैं। लेसन नंबर 1, मैं बाद में आपसे होमवर्क पूछूंगा, लेसन नंबर 1 कि गुरु की सेवा जो करता है वो बहुत ही तेजस्वी क्या नाम है शक्तिशाली हो जाता है। लेसन नंबर 2, इंद्रिय भोग में भोग विलास में जो हमेशा व्यक्ति डूबा रहता है और भक्ति को भूल जाता है, जब हम भक्ति में शुरुआत में आते हैं ना, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो बड़ा प्रणाम करते हैं, हम कथा सुनना चाहते हैं, हम बड़ी माला जपने लग जाते हैं, हमारे साथ कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम हुई हो, हमारे अपने ने किसी ने धोखा दे दिया हो, हमारा काम नहीं बनता हो, तो हमें चाहिए होता है कि कोई हमें आश्वासन दे दे, कोई हमारी बात को सुने, भगवान हम पे कृपा करें। तो खूब सारी भक्ति करते हैं, खूब सारी सेवा करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, हरिनाम जीवन में आ गया तो आनंद आ गया, भक्तों ने अपनी कृपा करी तो आनंद आ गया, प्रसाद खाने को मिल गया तो आनंद आ गया, और तो और कथा सुनने को मिल गई, फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करने को हमें मौका मिल गया, रथ यात्राओं में नाचने का मौका मिल गया, तो बड़ा आनंद आ गया। धीरे धीरे करते हुए हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपना पहला दिन जब भक्ति में आए थे उसको भूल जाते हैं, उस गंभीरता को भूल जाते हैं, और फिर इंद्र की तरह फिर से भोग विलास में डूब जाते हैं। लेसन नंबर 2, भोग विलास में नहीं पड़ना। याद रखना है कि 24 घंटे गोलियां चल रही हैं माया की, किसी भी गोली से हम चपेट में आ सकते हैं और भक्ति से दूर हो सकते हैं, वैष्णवों से दूर हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। लेसन नंबर 3, यहां पर शुक्राचार्य जी अपने शिष्य इंद्र से कहते हैं कि इंद्र तुम्हें लग रहा है कि ये जो पोस्ट अभी तुम्हें मिल गया है
ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। अगर तुम इसको परमानेंट करना चाहते हो तो क्या करो, अश्वमेध यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ आपको करने चाहिए। इसका मतलब शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, जब आप भक्ति में आ जाएं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती है जी। आज हम भर्ती हो गए भक्ति में कि भैया मेरे को ना अब ना आप सीनियर बना दीजिए भक्त का, आप मेरे को ना ये सब ये कार्ड बांटने की प्रोग्राम के कार्ड बांटने की सेवा मेरे को मत दिया करो, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, प्रसाद वितरण की सेवा मेरे को क्यों बोल रहे हो, प्लेट धोने की मेरी सेवा नहीं है, ठीक है जी, ये सब जूनियर भक्तों की है, ये हमारा काम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम डिसीजन मेकर हैं, हम तो बॉस हैं, हम तो आपको बताएंगे करना क्या है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं जब आप भक्ति में आ जाओ, हमेशा निरंतर आप क्या करते रहो, अपनी साधना अपनी तपस्या करते रहिएगा। तो इंद्र को कह रहे हैं, मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूँ, इंद्र को कह रहे हैं उनके गुरु महाराज, अश्वमेध यज्ञ करो, आराम से मत बैठो, शांत होके मत बैठो, ये जो पोजिशन है बड़ा टेम्प्ररी है, कभी भी जा सकता है, परमानेंट बनाना चाहते हो तो खूब तपस्या करो, क्या करो, साधना करो। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठ गए। अब वहाँ पर एक है दीति और एक है अदिति। दीति जो है वो है असुरों के क्या नाम है, माता, और अदिति है देवताओं की माता। तो अदिति अब बहुत विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं इंद्र और देवता सारे के सारे उनको क्या कर दिया गया, अपने घर से भगा दिया गया, रोती हैं। और अचानक एक दिन उनके क्या नाम है पति जो हैं क्या नाम है कपिल मुनि जी क्या करते हैं, एक सेकंड, सॉरी कश्यप मुनि जी वो अपनी साधना में बैठे होते हैं, तो एक दिन आते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं, वो बहुत विलाप कर रही होती है, पूछते हैं क्या कारण है, सारी की सारी बात बता देते हैं कि मेरे बच्चों को अपने घर से क्या कर दिया, भगा दिया गया है, मेरे को अपने बच्चों को वापस अपना स्वर्ग दिलवाना है, तो क्या करना चाहिए। तो उनके क्या नाम है पतिदेव कहते हैं, कश्यप मुनि जी कहते हैं, आप एक काम करो, आप पायो व्रत करो, आप केशव तोषणी व्रत रखो, केशव को तोषण करने का व्रत, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का व्रत रखिएगा आप। तो वो क्या करती हैं, ये केशव तोषणी एक ये पायो व्रत रखती हैं, जिसमें वो श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करती हैं, श्री कृष्ण कथा श्रवण करती हैं, श्री कृष्ण के नामों का जप करती हैं, और खूब लंबे समय तक ये व्रत रखती हैं, और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर भगवान उनके क्या आते हैं, मन में आते हैं, और वो बता देते हैं कि मेरे को सब पता है कि आप क्या चाहते हो। तो हमें भगवान से हमेशा डिमांड नहीं करनी चाहिए, हमने भगवान को पता है क्या समझ लिया है, जैसे वेटर होता है ना होटल में, हम जब होटल में जाते हैं और वेटर से पूछते हैं, हाँ जी क्या है आपके पास, और फिर वेटर कहते हैं कि मेरे पास हमारे पास क्या नाम है मटर पनीर है, पनीर बटर मसाला है, दाल मखनी है जी, है जी चाउमीन है, वट एवर वट नॉट। तो हम भी भगवान के मंदिर जाते हैं और हम भगवान के मंदिर के सामने इतनी लंबी लिस्ट लगा देते हैं, हाँ जी भगवान क्या नाम है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हैं जी, और लड़की के लिए बढ़िया लड़का मिल जाए, मेरी फैक्ट्री ना वो थोड़ी सी मतलब ठीक चल नहीं रही है तो एक और फैक्ट्री लगवा दो, आप एक लंबी सी लिस्ट लेके भगवान के सामने जाते हैं। अंतर्यामी नाम हमारो सब अंदर की जानो, भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो जानते हैं। सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं अपने माता अदिति को कि मैं सब जानता हूँ आपको क्या चाहिए, मैं आपके पास आपके पुत्र के रूप में आऊँगा और इंद्र का छोटा भाई बनकर आऊँगा, मेरा नाम एक पड़ेगा उपेंद्र, इंद्र का छोटा भाई, ब्राह्मण का रूप लेके आऊँगा, बोने से ब्राह्मण बनकर आऊँगा, मैं जल्दी से आपके घर में प्रकट होने वाला हूँ। और उसके बाद आज का ही दिन था, बहुत ही सुंदर भागवतम में वर्णन आ रहा है कि आज की जो द्वादशी है इसको वामन द्वादशी कहते हैं, लेकिन इसको श्रवण द्वादशी भी कहते हैं। आज के दिन हरि कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए, जो आप सब कर रहे हैं बड़ी ध्यान से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार कमेंट कर देंगे आप सब, वामन भगवान की जय, एक बार कमेंट कर दीजिए, भगवान का प्रकट्य महोत्सव है आज के दिन ही, श्रवण द्वादशी के दिन ही, भद्र मास के शुक्ल पक्ष के आज के दिन ही भगवान वामन जी, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु प्रकट हुए, छोटे से
ब्राह्मण के बोने से ब्राह्मण के रूप में इंद्र के छोटे भाई बन गए अपने भक्तों को राज्य वापस दिलाने के लिए। और तो और एक बार सब कमेंट कर दीजिए, वामन भगवान की जय, या आप जय 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 कमेंट कर दीजिए, उन दिल को धड़कने दो, दिल पे क्लिक करो। ठीक है जी, भगवान कौन से मुहूर्त में प्रकट होते हैं? अभिजात मुहूर्त में। ये अभिजीत जो मुहूर्त है, ये वही मुहूर्त है जिसमें भगवान श्री राम, श्री रघुनंदन, सियावर रामचंद्र प्रकट होते हैं। और तो और यहाँ पर शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान पहले तो विष्णु रूप में आया, फिर उसके बाद बिल्कुल छोटे से एक क्या बन गए, बोने से एक ब्राह्मण बन गए। मेरे को आज भी याद है, गुरुकुल में जब मैं था, ये अराउंड 1999 की बातें हैं, वामन द्वादशी थी, तो हमारे इस्कॉन वृंदावन में तीन ऑल्टर हैं, गौरनिताय, कृष्ण बलराम एंड श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। मेरे को याद है कि गुरुकुल के समय में मेरे को एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी, मेरे को वामन भगवान बनाया गया था गुरुकुल से। हर साल एक बच्चा वामन भगवान बनता था, और वो पता क्या करता था, लुक एट दी फॉर्चून, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर में हमें जाने को मिलता था, हमारे हाथ में एक छतरी होती थी, क्योंकि भगवान वामन जी छतरी पकड़ते हैं। अगर आप में से कोई फोटो कमेंट में डाल सकता है तो सबको बड़ा सुंदर दर्शन मिल जाएगा। प्लीज़ इफ देयर इज एनीवन हु इज लिसनिंग टू मी, हु इज फ्रॉम माय टीम एंड हु इज वेरी क्लोज टू मी, वामन भगवान की आप फोटो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो हमें क्या किया गया था, हमें मृगछाल पहनाई जाती थी, हमें जनेऊ पहनाई जाती थी, हाथ में कमंडलू धारण करवाते थे, द्वादश तिलक है ना, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। द्वादश तिलक धारण कर, जनेऊ धारण कर, छतरी को पकड़ कर, कमंडलू धारण कर, ऐसे सुंदर से एक वामन भगवान का एक रूप बनाकर हमें राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर में जाने को मौका मिलता था। और हम वहाँ पर, मेरे को अभी भी याद है, खड़े हो जाते थे ऐसे कमंडलू पकड़कर, और सारे के सारे भक्त जो दर्शन करने आ रहे होते थे वो आते थे, और जैसे भगवान वामन का दर्शन हो रहा हो ऐसा सभी को क्या फील होता था। सो व्हाट अ वंडरफुल लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आई पे माय ओबेसेंसेस टू श्रील प्रभुपाद एंड माय गुरुकुल डेज इस्कॉन वृंदावन के गुरुकुल, जिन्होंने मेरे को एक ऐसा मौका दिया, इतना सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ अपने आप को। आगे बढ़ते हुए कथा को, तो अब भगवान प्रकट हो गए हैं, छोटे से नन्हे से ब्राह्मण हैं, बोने रूप में, उपेंद्र भी उनका एक नाम है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब देवी देवता हैं उनका कुछ ना कुछ देने लग जाते हैं, क्योंकि बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। अब आप किसी के बर्थडे पे जाओ तो आप कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हो, तो यहाँ पर भागवतम वर्णन करता है कि किस किस ने क्या क्या दिया है। सूर्य ने, साक्षात सूर्य ने उनको क्या दिए, गायत्री मंत्र प्रदान किया। ठीक है, गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, सूर्य ने उनको गायत्री मंत्र प्रदान किया, बृहस्पति ने उनको जनेऊ प्रदान किया, उनको जो मृग क्या नाम है जो मृग छाल है ना, जो मृग छाल है वो किसने प्रदान करी, पृथ्वी माता ने उनको मृग छाल प्रदान करी। यहाँ पर वर्णन आता है कि कश्यप मुनि ने उनको बेल्ट, जिसको हम कहते हैं मुंज की माला, वो किसने दी, कश्यप मुनि जी ने दी। और तो और चंद्र ने, जो चंद्रदेव हैं, सूर्यदेव ने क्या दिया, गायत्री मंत्र, चंद्रदेव ने उनको दिया ब्रह्मदंड। एक होता है संन्यास दंड, एक होता है ब्रह्मदंड, ब्राह्मणों के पास पहले दंड हुआ करता था। ठीक है, तो ये दिया चंद्रदेव ने। आगे वर्णन आता है, अदिति माता ने उनको कोपिंग दिया, माँ है ना तो बोला ऐसे निकल जाएगा दंग, कोपिंग पहनाया उनको। उसके बाद स्वर्ग के देवी देवताओं ने उनको क्या दी, मिलकर बहुत सुंदर एक छतरी दी। और तो और ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिया, उनके पास कमंडलू होता है। आगे वर्णन आता है, सप्त ऋषियों ने उनको बैठने के लिए कुशाघास है ना, वो दी, कुशाघास दी। उसके बाद सरस्वती माता ने उनको रुद्राक्ष की माला पहनाई। ठीक है, ये किसने पहनाई, सरस्वती माता ने। आप नोट कर रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र, अब भिक्षा भी तो मांगनी है, एक हाथ में कमंडलू की प्यास लग गई, मांगते मांगते पानी पी लो, और कुबेर ने उनको दिया भिक्षा पात्र की, भिक्षा किस में डालोगे, एक पात्र तो चाहिए, तो ये कुबेर जी ने दिया।
ये सब के सब देवी देवताओं ने अलग अलग उनको चीज़ें प्रदान करी, और ये सब जब उनको मिला, हमारे छोटे से नन्हे से वामन भगवान दश अवतार में देखो आप सारे के सारे भगवानों में सबसे छोटे से हमारे वामन भगवान है। केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता वामन रूपा, आज केशव ने, आज श्री कृष्ण ने, आज भगवान विष्णु ने वामन रूपा, वामन का रूप धारण किया है बलि महाराज को छलने के लिए, छलने के लिए नहीं, वास्तव में उनको आनंद प्रदान करने के लिए, लीला को आगे बढ़ाते हुए। आई होप आप सब फॉलो कर रहे हैं। अब सब ने ये प्रदान तो कर दिया, लेकिन सबसे पहली दक्षिणा किसने दी? उनके पास भिक्षा पात्र है तो भगवान शिव जी और पार्वती माँ के पास गए वामन भगवान। सबसे पहली जो दक्षिणा है वो भगवान भोलेनाथ जी ने, महादेव ने और पार्वती माता ने ही उनको पहली भिक्षा दी और उनका बहुत गुणगान किया। चलो बहुत गुणगान हो गया वामन भगवान का, उन्होंने बोला काम पे लग जाओ। सीधा चले गए कहाँ पर? बलि महाराज की यज्ञशाला में, जहाँ पर बलि महाराज क्या कर रहे हैं, परमानेंट पोस्ट पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। जैसे ही छोटे से नन्हे से ब्राह्मण हैं भगवान वामन जी वहाँ पर पधारते हैं, उस महफिल में देवी देवताएँ जो बैठे हुए हैं, ठीक है, बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। अब वामन भगवान, ये बहुत डिटेल में वर्णन है लेकिन मैं थोड़े शॉर्ट में सुना रहा हूँ, जैसे ही वामन भगवान प्रकट होते हैं उस सभा में, ऐसा लगता है कि मानो असीमित, लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, असीमित, जिसकी कोई गणना नहीं है, जिसका कोई काउंट नहीं है, काउंटलेस सूर्य चंद्र इकट्ठे हो गए हों और वो एक एक कदम लेकर चल रहे हों, ऐसा लग रहा था कि मानो असीमित सूर्य असीमित चंद्र का प्रकाश इकट्ठा होकर चलकर उनकी ओर आ रहा है। बड़े मनमोहक हैं हमारे भगवान वामन, बोने से हैं, छतरी पकड़ी हुई है, कमंडलू हैं, जनेऊ हैं, और बड़े कोमल हैं हमारे भगवान वामन जी। जैसे ही वो सभा में प्रकट होते हैं उनका तेज सबकी आंखों को नीचे झुका देता है, देख भी नहीं पा रहे हैं लोग उनको, इतना तेज भगवान वामन के है अंग से प्रकट हो रहा है। अब बलि महाराज समझ जाते हैं ये बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण हमारे बीच आए हैं, उम्र में चाहे छोटा है, तुरंत यहाँ पर बलि महाराज खड़े हो जाते हैं और हमें लेसन नंबर 4 सिखाते हैं कि यजमान का कैसे हमें उनका स्वागत करना चाहिए। चाहे आपके घर में कोई छोटा भी क्यों ना आ जाए, शास्त्र तो ये कहते हैं कि अगर आपके दरवाजे पर कोई आपका दुश्मन भी आ जाए, उसको एक बार तो आने का मौका देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, कम से कम हाथ जोड़ लेने चाहिए। आजकल तो घरों के सामने लिखा होता है कि बीवेयर ऑफ डॉग्स, हैं जी भाई, घर के अंदर आने से पहले पहले कुत्तों का ध्यान रखना। और कई बार तो CCTV कैमरे लगे होते हैं घर के अंदर कि वहीं से अंदर से देख लेते हैं कि यार कौन आया, यार ये तो पकाएगा, यार ये क्यों आ गया हमारे घर, तो क्या कर देते हैं, CCTV कैमरे से वहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं कि मिस्टर सुभाष इज नॉट एट होम राइट नाउ, प्लीज लीव योर मैसेज। ऐसे ऐसे भी मैंने देखा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ऐसे भी क्या नाम है फैसिलिटीज़ हैं, कुछ लोग अपने क्या नाम है घर पे जो काम करते हैं उनको भेज देते हैं कि भाई साहब मालिक है नहीं घर पे, आप जाइए, है ना, तो बाहर से बाहर भेज देते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे पहले अतिथि देवो भव, कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो ये शिक्षा हमें यहाँ पर बलि महाराज दे रहे हैं कि वो अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, व्यासासन पर बैठे थे लेकिन अब अपना यज्ञ को रोक देते हैं खड़े होकर। अरे हाँ हाँ, कोई हंस रहा है यहाँ पर, सही में ऐसे होता है, लॉर्ड शिवा प्रोमिनेंट गॉड, ऐसा ही होता है। तोना साहा दीक्षा लहरी, पता क्या होता है आजकल तो, वो मान लो आपके घर कोई आया, आपके कोई दोस्त आया, आपका कोई रिश्तेदार आया, तो बातों बातों में ना बड़े चला गए हम, बातों बातों में पता क्या पूछ लेते हैं, तो अब ये जानना ये चाहते हैं कि ये कब तक रहेंगे और कब जाएंगे, तो घूमते घूमते फिरते फिरते ना ऐसे पूछ लेंगे, वो रिटर्न टिकट हो गई थी क्या, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं आ रही ना, वो मतलब बहुत ही मतलब है ना वो
अवेलेबिलिटी नहीं मिलती ट्रेन में, लेकिन रिटर्न टिकट है ना, है ना? तो वो बोल देगा हाँ हाँ रिटर्न टिकट है, तो करा ली मैंने ना 24 तारीख की करा ली। तो बंदे को पता लग जाता है कि भाई ठीक है यार, दो दिन और की बात है। तो वो थोड़े से मतलब ये देखो कि हमारी हालत क्या हो गई है, कि हम पहले था अतिथि देवो भव और अब तो बोला अतिथि देवो भगा, मतलब भागो यहाँ से। खैर कथा को आगे बढ़ाते हो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलि महाराज अपने व्यासन से उतरते हैं, यज्ञ को रोक लेते हैं, क्या करते हैं, भगवान वामन जी जो ब्राह्मण हैं, छोटे से ब्राह्मण बनकर आए हैं, सब हंस रहे हैं, सबको बड़ी मस्ती छा रही है, तो उनके पैरों को क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। अब सुनिए क्या क्या पूछ रहे हैं बलि महाराज भगवान वामन से जो छोटे से ब्राह्मण बन के आए हैं। वो कहते हैं तो उनको आसन दिया, उनको चरण धोए, अब उनसे हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे अक्कड़ में नहीं, हाँ जी कैसे ठीक ठाक हो, अब बैठो, ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से बड़ी धीमी आवाज में क्या कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दूँ, मैं आपको गायें दूँ, मैं आपको सोना दे सकता हूँ, मैं आपको घर दे सकता हूँ रहने के लिए, मैं आपको सुस्वादिष्ट भोजन खिला सकता हूँ, मैं आपको पेय दे सकता हूँ जल पीने के लिए, मैं आपको कोई सुंदर ब्राह्मण की पत्नी, आपको कोई सुंदर पत्नी चाहिए तो मैं ब्राह्मण की कन्या कोई सुंदर पत्नी मैं आपको दे सकता हूँ, और तो और मैं आपको एक संपूर्ण गांव दे सकता हूँ, अगर आपको रहने के लिए पूरा गांव चाहिए तो मेरे में इतनी सामर्थ्य है, मैं आपको पूरे गांव दे सकता हूँ रहने के लिए, तो मैं आपको घोड़े दे सकता हूँ, हाथी दे सकता हूँ, एक रथ दे सकता हूँ, ये तो छोड़ो आपकी कोई निजी कोई इच्छा है, आप मेरे को बताइए, एक बार बोल के तो देखो आपको क्या चाहिए, मैं आपकी सारी इच्छाओं को क्या करूँगा, पूर्ण करूँगा, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो ये बात सुनकर भगवान वामन देव जी मानो कि मन मन में सोच रहे हो कि इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, पूरा तो कर पाएगा नहीं अगर मैं मांगने पे आ गया। खैर तो यहाँ पर बलि महाराज जी कह रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग लो जो मांगोगे आज मैं आपको दे दूंगा। अब भगवान वामन देव कह रहे हैं, भगवान वामन जी कहते हैं एक सेकंड, एक बार महामंत्र को उच्चारण करें सब मिलकर, ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ठीक है, अब भगवान वामन जी कहते हैं हे राजन, मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, अगर देना ही चाहते हो तो आप मेरे को क्या करो, सिर्फ और सिर्फ मेरे पाँव के नाप के 3 पग, मेरे पाँव के नाप के केवल और केवल 3 पग, 1, 2 and 3, बस इतनी जमीन दे दो मेरे को। अब छोटा सा ब्राह्मण, छोटा सा बोना सा ब्राह्मण के पैर कितने लंबे होंगे, कितने बड़े होंगे, छोटे से नन्हे से, और उसके कितने पग, बस 1, 2, 3, इतने पग, बस इतना सा ही चाहिए मेरे को, और किसी चीज की डिमांड नहीं है। ये जब बलि महाराज ने सुना तो बहुत जोर जोर के हंसने लग गए, अभी ये क्या मांग रहे हो आप मुझसे, अरे मैं पूरे त्रिलोकी का सम्राट हूं, अरे अरे ब्राह्मण आप में अकल तो होनी चाहिए, आप ब्राह्मण हो आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व के सम्राट के सामने आप मांग रहे हो और आप इतनी छोटी सी चीज मांग रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज मेरे को ना 5 किलो ना चावल दे दो, प्लीज 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 मेरे को ना 2 रोटी दे दो बस मेरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पर
बलि महाराज जी बोल रहे हैं क्या मांग रहे हो आप, अरे मैं आपको पूरा संसार दे सकता हूँ, आप मेरे को सिर्फ ये तीन पग मांग रहे हो आप। तो बड़ी लंबी वार्तालाप होती है। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 5, मेरे को पता नहीं अगर आप ट्रैक रख रहे हो लेसन नंबर 5, यहाँ पर भगवान वामन जी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। वो कहते हैं हे राजन, एक ब्राह्मण को अथवा एक भक्त को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट, आप समझते हैं संतुष्ट? जिस विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भैया जितना धन आपके पास है, संसार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक सिक्के नहीं देखे, सिक्के देखने के लिए तरसते हैं, आपके जेब में कम से कम 100 का नोट तो है। तो संतोष रखिए, जिस विधि में जिस जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिएगा। यहाँ पर भगवान वामन भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण को और भक्त को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जब आए संतोष धन, सब धन दूरी समान। सबसे बड़ा धन किसका है? बहुत सारा पैसा होने का, बहुत फेम होने का, बहुत सारे फॉलोअर्स होने का, ये संतोष नहीं लेके आता आपके जीवन में। ये तो आपके जीवन में टेंशन दिला देता है, स्ट्रेस लाता है। मैंने बहुत सारे यूथ को देखा है कि उनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स अपने दोस्त से कम होते हैं ना, टेंशन में आ जाते हैं। सही में बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स को मैंने देखा है कि एक दूसरे से चैलेंज करते हैं कि यार उनके पास उनकी कंपनी में ग्रोथ हो रहा है, हमारी कंपनी में नहीं ग्रोथ हो रहा, टेंशन में आ जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे से बहुत जेलसी करते हैं कि ही इज़ मोर स्मार्टर, ही इज़ गेटिंग मोर मूवीज, स्ट्रेस टेंशन आ जाता है। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? शास्त्र कहते हैं जब आए संतोष धन, सब धन दूरी समान। आपके जीवन में संतोष होना चाहिए। संतोष व्यक्ति ही केवल रात को सो पाता है, ठीक से उसको नींद आती है। अगर आपके जीवन में संतोष नहीं होगा ना, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप। मेरे पास राधा रानी लागे इस भजन के लिए मेरे पास एक बहुत सुंदर कमेंट आया था कि फ्रॉम द पास्ट 3-4 डेज आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्लीप, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, मैं बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। लेकिन राधा रानी लागे ये ट्रैक मैंने चलाया तो मेरे को बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही आनंद मिला, एंड आई कुड स्लीप नाइसली। यू अंडरस्टैंड, भगवान का जो कीर्तन है, जो भजन है, वो हमारे जीवन में सुकून लाते हैं, शांति लाते हैं, संतोष लाते हैं। ठीक है जी, तो ये लेसन भगवान वामन जी ने हमें सिखाया बलि महाराज के वाया, ठीक है जी, उनके थ्रू हमें सिखा दिया। तो बलि महाराज ने बोला ठीक है जी। तो ब्राह्मण ने कहा, वामन भगवान ने कहा, मेरे को तो आप तीन पग ही दे दो, मैं तो बस तीन पग में ही संतुष्ट हूँ। आगे क्या होता है? नाउ कम्स द क्लाइमैक्स ऑफ दिस वामन लीला, भगवान वामन के प्रकट्य महामहोत्सव की लीला का क्लाइमैक्स अब आ रहा है। अब क्या होता है? अब बलि महाराज उनको तीन पग देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब जब आप कुछ प्रण लेते हैं तो क्या किया जाता है? आचमन किया जाता है। तो वो कमंडलू उठाते हैं आचमन लेने के लिए कि मैं क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ आपको ये। जैसे वो ये करने लग गए, बलि महाराज के जो गुरुजी हैं लेसन नंबर 6 शुक्राचार्य जी, उनको रोकने लग जाते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये कोई छोटा सा नन्ना सा ब्राह्मण, कोई बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आया है। तुमने तीन पग दे दिया ना, तीन पग तो छोड़ो, पहले पग में सारा का सारा नाप लेगा, पूरी त्रिलोकी ले लेगा, सब कुछ छीन लेगा तुमसे। अब क्या हुआ, जैसे ये सुना बलि महाराज ने, बलि महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दी हम सबको, लेसन नंबर 6 प्लीज नोट कर दीजिएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बलि महाराज कहते हैं कि भक्तों को भी ऐसा होना चाहिए, अगर किसी चीज के लिए वचन दे दें, उनको वचनबद्ध रहना चाहिए। अगर वो कह दें कि प्रभु जी हम इस्कॉन कुरुक्षेत्र के मंदिर के निर्माण के लिए प्रभु जी मैं 10 लाख रुपए का दान दूंगा, कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये सेवा करूंगा, और उसके बाद पहले साल में ही पतली गली से निकल जाएं, अपने वचन को भूल जाएं, ये भक्त को शोभा नहीं देता। हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये मुझ पर भी लागू होता है कि हम वचनबद्ध रहें, अपने वचन का क्या किए, क्या करें, पालन करें। तो बलि महाराज ने कहा अपने गुरु महाराज से कि हे गुरुदेव, मैंने वचन दिया है और मैं इस वचन का पालन करूंगा ही करूंगा किसी भी हालत में। तो बलि महाराज ने क्या किया, इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। जो गुरु
अब शुक्राचार्य जी भागवत में ये वर्णन नहीं है लेकिन कथाओं में सुनाते हैं, बस भागवत में इतना वर्णन है कि उन्होंने रोका तो बलि महाराज ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने गुरु का ही परित्याग कर दिया। लेकिन कुछ भागवत के जो क्या नाम है कथाकार हैं, उन्हें भी सुनाते हैं कि उनको रोकने के लिए शुक्राचार्य जी कमंडलू में घुस जाते हैं, कमंडल में घुस जाकर बैठ जाते हैं, फिर भगवान वामन जी उनको एक तिनका उठाकर उनको ऐसे अंदर से छेद करते हैं उस कमंडलू से, तो उनकी एक आंख भी फूट जाती है और वो बाहर निकल के आते हैं चीखते हुए। खैर, भागवत में जो वर्णन है हम उसको श्रवण करते आगे बढ़ेंगे। भागवत वर्णन करती है बलि महाराज को भगवान की सेवा से हटाया जा रहा था तो बलि महाराज ने अपने गुरु का ही परित्याग कर दिया। कुछ लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि हमें गुरु का परित्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं एक ही पॉइंट पर आकर हमें गुरु का परित्याग कर देना चाहिए कि अगर वो आपको कृष्ण की सेवा से, गोविंद की सेवा से हटा रहा हो। गुरु का केवल एक ही कार्य है कि वो गोविंद से मिला दे। गुरु का ये कार्य नहीं है कि मेरे बहुत चेले चपाटे बन जाएं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं और फिर मेरा बैंक बैलेंस भर जाए, हैं जी, वो मेरे पीछे चलें, मेरी वाह-वाह करें, ना, ये गुरु का काम नहीं है। अब गुरु ने यहाँ पर उनको रोक दिया सेवा करने से, बलि महाराज ने गुरु का परित्याग कर दिया। यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, पिता ने अपने बेटे को भक्ति से रोक दिया तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का परित्याग कर दिया। यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है रामायण में कि भाई ने भाई का परित्याग कर दिया, विभीषण ने रावण का परित्याग कर दिया क्योंकि वो उनको श्री राम की सेवा में जाने से रोक रहे थे। तो शास्त्र बड़ा ही गुह्य हमें ध्यान देते हैं कि अगर आपको भक्ति में जाने से कोई रोकता है तो शास्त्र यहाँ तक बता रहे हैं कि परित्याग कर देना चाहिए। तो गुरुदेव का परित्याग करने को तैयार हो गए कौन? बलि महाराज। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरे पास मृदंग नहीं है आज, तो आज मैं इसी से काम चलाऊंगा। हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। अब मत जाना क्योंकि अब क्लाइमैक्स आ रहा है इस कथा का, इस लीला का। वी आर रीचिंग द क्लाइमैक्स, इसको आप मिस नहीं करना चाहोगे। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा था, गुरु का परित्याग कर दिया किसने? बलि महाराज ने। और बलि महाराज कहते हैं हे ब्राह्मण, आप जो मांगना चाहें मांग लीजिए, आपने तीन पग मांगे हैं, मैं क्या करता हूँ, समर्पयामी, आचमन किया, हाथ में जल लिया और तीन बार छिड़कते हुए समर्पयामी 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 भगवान वामन देव को क्या कर दिए, तीन पग वादा कर दिए, उनको प्रॉमिस कर दिया कि मैं पूर्ण करूंगा। अब हो गया खेल शुरू है जी। अम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भावं समन्विता मत्ता परतरं न अन्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जया मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मने गणे इवा सर्वधर्मा परित्यजा मामेकं शरणं व्रजा अम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा च परित्रणाय साधूनां विनश्चाय सुदुष्कृतम् सप्त प्रणाथाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। अभी मैं कुरुक्षेत्र धाम से बोल रहा हूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, लेकिन एक ऐसा विश्व रूप विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने बलि महाराज को दिखा दिया। अचानक भगवान का आकार ऐसे बढ़ने लग गया, भगवान की जो वो मुखमंडल है वो आकाश तक छू गया।
छोटे से बोने से ब्राह्मण इतने बड़े हो गए उनका मुख, उनका चेहरा जो है वो आकाश में, आकाश को छू गया। और अब ये बलि महाराज देख रहे हैं, भाई साहब ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इतने बढ़ने लग गए भगवान, इतने बढ़ने लगे, उनके जो भुजाएं हैं, उनकी भुजाएं उनको आकाश को भेद डाला, उनके चरण कमल है वो पताल लोक से भी नीचे निकल गए। अब बलि ये प्रारंभ कहाँ से होते हैं, अद्वैतम अचूत्यम अनादि अनंत रूपम आध्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च वेदश्च सर्वे अहम सर्व एक वेद्य वेद्यांत कृत वेदवित एव चाहम, सारे वेद शास्त्रों का सार भी मैं ही हूँ, वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, अगर वेदों में से कुछ जानने योग्य है वो भी मैं ही हूँ। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, मेरे रूपों का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्री भगवान वामन जी बढ़ने लग गए, इतने बढ़ गए कि भाई सबकी आंखों से उजल हो गए, दिख भी नहीं रहे थे। यहाँ पर भागवत वर्णन आती है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर मेरे डेस्क पे भी सब कुछ डामंडोल हो रहा है। यहाँ पर वर्णन आता है, पहले पग से भगवान वामन ने पूरी पृथ्वी कवर कर ली। लो भाई गायब, पृथ्वी ही, जहाँ से आप बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो आप, कौन कहाँ से हो आप, मुंबई से हो, कहाँ से हो, बैंगलोर से हो, दुबई से हो, अमेरिका से हो, रशिया से हो, कहाँ से हो आप, कुरुक्षेत्र से हो, चंडीगढ़ से हो, कहाँ से हो, जहाँ से भी हो ना, आपका भी पूरा एरिया कवर कर लिया भगवान ने। कहाँ से हो, पंजाब से हो, कहाँ से हो, आंध्र प्रदेश से हो, कहाँ से हो आप, कहाँ से बताओ, कोलकाता से हो, किधर से हो आप, किधर से, वेस्ट बंगाल से हो, सारा का सारा कवर कर लिया, पूरा एरिया, पूरा भूमि, पृथ्वी क्या कर दी, पूरी कवर कर दी पहले पग से, मतलब भगवान ने यूं कर दिया है, मुंबई निधि कपूर जी कवर कर लिया, मुंबई गॉन, ठीक है, कवर कर लिया, मुंबई किसी का नहीं है, कोई शिवसेना जी का नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर साहब का नहीं है, कोई एनजी प्राइम मिनिस्टर साहब का नहीं है, हमें लगता है ये सारे पोस्ट तो टेम्प्ररी हैं, इससे पहले भी कोई और प्राइम मिनिस्टर थे, इनसे बाद में भी कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे, इससे पहले भी कोई चीफ मिनिस्टर थे, इनके बाद में भी कोई चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये सारा का सारा जगत श्री कृष्ण का है, नेपाल कृष्ण का है, भुवनेश्वर कृष्ण का है, चेन्नई कृष्ण का है, नागपुर कृष्ण का है, सब कुछ ही तो कृष्ण का है, मेरे वामन भगवान का है, मेरे गोविंद का है, यस भगवान का है, लखनऊ कृष्ण का है, कोलकाता कृष्ण का है, खूब भालो कोलकाता, हाँ जी शिवाली जी कोलकाता भी हमारे कृष्ण का है, अक्षय चमार जी यस कृष्ण का है आपका नागपुर भी, तेलंगाना भी कृष्ण का है, मंडी देवों की भूमि है, अनु शर्मा जी ये भी कृष्ण का ही है, ओके आगे बढ़ते हुए बड़ा एक्साइटेड हो गया। तो यहाँ पर पहले पग से दिल्ली शिवानी सिंह जी कृष्ण की है, प्रयागराज तो ओहो कृष्ण का ही है, त्रिवेणी संगम राजेश कन्वेश जी, एंड यस पहले पग से पूरी पृथ्वी नाप ली, तेलंगाना हैदराबाद सुनोई जी चंडीगढ़ सत्यव्रत शर्मा जी प्रणाम आपको, कृष्ण का ही है, राधा माधव का ही है। तो दूसरे पक्ष से भगवान ने क्या किया, ऊपर के सारे लोग हरी बोल गयो, ऊपर के सारे लोग गयो गायब, स्वर्ग लोग, पितृ लोग, जन लोग, और यहां तक कि ब्रह्म लोग को छेदते हुए क्या किया भगवान ने, ब्रह्म लोग को पार कर दिया। ठीक है जी, अपने कोई फोटो डाल सकता है, यहाँ पर एक बड़ी सुंदर फोटो है, ऐसे भगवान वामन के जो चरण ऊपर जा रहे हैं, एक नीचे जा रहा है, ब्रह्मलोक को जैसे छेद दिया तो वहाँ पर आकाशगंगा या विरजा नदी जिसको कहते हैं, भगवान के जो चरणों का जो एक अंगूठा है ना, उसने विरजा नदी को छेद दिया और वही आकाशगंगा है। जैसी चरणों अंगूठे से भगवान को स्पर्श हुई आकाशगंगा, वही जल नीचे गिर कर आता है और हमें गंगा मैया के रूप में हमें मिलता है। हरिद्वार में गंगा मैया की जय, एक बार कमेंट सब करेंगे, बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। एक बड़ा सुंदर भजन के बोल ये हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों में
शीश झुकाओ हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलो गंगा मैया की जय। तो ऐसे अनेक अनुभव कथा है कैसे गंगा मैया प्रकट होती है। एक तो ये वाली बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपादी। विष्णुपादी अर्थात भगवान विष्णु के पद मतलब चरण का स्पर्श करके जो प्रकट हुई है विष्णुपादी एक नाम गंगा मैया का है। तो गंगा मैया का जो प्रकट है जो उद्भुत है वो भगवान विष्णु के ही चरणों से है। उन्हीं को ही धारण करते हैं भगवान विष्णु के चरणों का जल गंगा मैया को धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ जी। और उनका एक नाम पड़ जाता है गंगाधर। सही है कि नहीं है। और अनेक अनेक कथाएं हैं कि किस प्रकार हमारे जो भगीरथ मुनि है ना कैसे अपनी तपस्या के बल से गंगा मैया को इस भूलोक पर लेके आते हैं ये भी एक कथा है। ब्रह्मा जी के कमंडलों से कैसे गंगा मैया प्रकट होती ये भी एक कथा है। अनेक अनेक कथाएं हैं लेकिन जो मोस्ट फेमस श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि गंगा मैया का प्रकट्य कहाँ से होता है भगवान वामन जी के चरणों के अंगूठे से जब आकाश गंगा या विरजा नदी का छेदन हुआ वहाँ से गंगा मैया प्रकट हुई। तो पहला कदम पृथ्वीलोक गायब। दूसरा कदम सारे के सारे ऊपर के लोग गायब। अब भगवान बोल रहे हैं कि हाँ जी राजन आपने तो बोला था कि मैं आपको ये दे दूंगा मैं आपको वो दे दूंगा आप बोल के तो देखो जी क्या चाहिए आपको बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे महाराज जी मतलब अब मेरा तीसरा पग मैं कहाँ लूँ मैं तीसरा पग। अब सभी देवी देवताएं हैरान अचंभित शुक्राचार्य जी बार बार कोस रहे मैंने कहा तुम्हें पहले ही कहा था सब कुछ छीन लेगा सब कुछ हर लेगा हरी है ये हरी तो वास्तव में हम सबके दुख हर लेते हैं सबके पाप हर लेते हैं। ये लीला भी भगवान वामन ने अपने भक्त बलि को आनंद देने के लिए दिया है। अब बलि महाराज बोलते हैं हे भगवान अब समझ गए ये तो ब्राह्मण नहीं है ये तो भगवान है साक्षात नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। हे प्रभु शास्त्र कहते हैं शरीर भी भूमि होती है हे प्रभु आप मेरे शरीर रूपी भूमि पर आप अपना तीसरा चरण अपने तीसरा चरण कमल रखिएगा मैंने प्रण लिया है प्रभु मैं निश्चित रूप से आपको तीसरा पग लेने के लिए आपको स्थान दूंगा। हे प्रभु ये शरीर भी आपके द्वारा दिया गया है मैं आत्मा हूँ और आपने ये शरीर हमें दिया है तो मेरे पास इस समय अपना अगर कुछ है तो ये बस शरीर ही है। हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है जी मैं संपूर्ण अपने आप को आत्मसमर्पण करता हूँ हे प्रभु आपके चरणों में और ये नवधा भक्ति की परम सीमा है द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिवोशनल लाइफ। नवधा भक्ति आपने सुनी होगी 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। जैसे श्रवणम केवल सुनने से ही परीक्षित महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। श्रवणम कीर्तनम केवल कीर्तन करने से सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भगवान का कीर्तन किया है ना जी तो उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार दास्यम हनुमान जी ने श्री राम जी का दास बनकर क्या कर दिया राम जी को प्राप्त कर लिया। या साख्यम अर्जुन ने भगवान का मित्र बनकर सुदामा ने भगवान का मित्र बनकर भगवान को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार आत्मनिवेदनम संपूर्ण जीवन को अपने आप को ही पूरे चरणों में भगवान के निछावर करने वाले बलि महाराज आत्मनिवेदनम के इस परम नवधा भक्ति की परम सीमा को दर्शाते हुए संपूर्ण अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात जो अपने आप को मैं अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूँ इस समय इस बात को आपसे शेयर करते हुए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने एक लेक्चर में बताया है तीसरा पग जो भगवान वामन जी ने अपने भक्त बलि महाराज के सर पे रखा था वो और कहीं नहीं ये लीला हमारे कुरुक्षेत्र धाम में ही
हुई थी। कितनी बड़ी बात है, मेरे को इस समय रोंगटे आ गए आपको बताते हुए। एक बार जरा कमेंट कर देंगे, कुरुक्षेत्र धाम की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। और आपको ये कथा आज के दिन ही भगवान वामन के प्रकट्य महामहोत्सव के दिन ही श्री कुरुक्षेत्र धाम से ही आपको श्रवण करने को मिल रही है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ और निश्चित रूप से आपको भी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानना चाहिए। वामन भगवान की जय, श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय। अब क्या हुआ, तीसरा चरण कमल रखा और उसके बाद भगवान ने अपने गरुड़ पाश से उनको क्या नाम है बांध लिया, कहीं भक्त वासुकी के पाश से बोलते हैं। खैर वहां पर बलि महाराज बांध दिए गए। यहां पर लेसन क्या है, आई थिंक लेसन नंबर 7 पे हम आ गए हैं। बलि महाराज बंधे हुए हैं, इसमें लेसन ये है कि बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव जी के हाथ बेड़ियों से बंधे थे और उनके क्या नाम है पैर भी बंधे हुए थे, तो जब तक आप भौतिक आसक्तियों से बंधे रहोगे कृष्ण की सेवा आपसे होगी नहीं। जब तक आप उन्हीं दोस्तों के साथ उठना बैठना आपका लगा रहेगा जो हमेशा गंदी गंदी बातें करते रहते हैं, उनको उनका ध्यान हमेशा मटीरियल वर्ल्ड में ही रहता है, आप कृष्ण की सेवा नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। यू विल हैव टू असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। महाप्रभु कहते हैं असत संग, जिनकी रुचि भगवान की कथा में नहीं है, जो दोस्त जो लोग आपके कृष्ण की सेवा में कृष्ण के नाम में रुचि नहीं रखते हैं, कृष्ण से प्रेम नहीं रखते हैं, अगर आप डेली उनके साथ उठना बैठना करोगे और फिर आप सोचोगे अरे थोड़ी देर के लिए तो जाना है, थोड़ी देर बैठना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा, हमारी साधना पक्की है, धीरे धीरे वो माया का पाश आपको बांध लेगा। ठीक है जी, देखो ये शिक्षा देती है लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रही है कि बलि महाराज को बांध दिया भगवान ने, उन्हीं के सब जो उनके देवी अन्य देवी देवताएं थे, जो उनके सारे के सारे जूनियर उनके दास थे, उनके बलि महाराज के चरणों के क्या करते हैं सेवा करते हैं, बलि महाराज से थर थर कांपते हैं, उनके सामने भगवान ने उनको बांध दिया। इसका मतलब क्या, अब बलि महाराज को अब ऐसा नहीं हो रहा कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है, ओहो भगवान ने मेरे तो सबके सामने बड़ी बेइज्जती कर दी। कई बार हम भक्तों में क्या ऐसी एक कभी कभी ऐसे एक बात सी आ जाती है, मैं तो मंदिर गई थी, बहुत टाइम से मंदिर जा रही हूँ, मैं तो बहुत टाइम से मंदिर से जुड़ा हूँ, लेकिन प्रभु जी ने तो सबके सामने डांट दिया, प्रभु जी ने तो सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी, आज के बाद मैं नहीं जाऊँगी मंदिर, आज के बाद मैं नहीं जाता मंदिर, छोड़ो यार ये सब ऐसे ही है। सही बात है ना, तो हमें ऐसी फीलिंग आ जाती है। बलि महाराज हमें ये भी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण आपको किसी भी परिस्थिति में बांध दे, हमेशा विनम्र बनकर रहना है और भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर बलि महाराज ने कुछ नहीं रहा, बस भगवान के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं कि हे प्रभु आप, मैं आपका दास हूँ, दास दास अनुदास हूँ, जैसा आप मेरे साथ करना चाहें वैसा आप कर लीजिएगा। एक बार महामंत्र का उच्चारण और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए मेरे को अभी आपको बहुत और सारी बातें बतानी है, आगे बढ़ाते हुए कथा को। तो यहाँ पर बलि महाराज को बांध दिया जाता है और बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। बलि महाराज के इस आत्म समर्पण से आत्मनिवेदनम से अब भगवान अपना वसुदेव पाश या गरुड़ पाश को उस बंधन को खोल देते हैं और अब बलि महाराज को अति प्रसन्न होकर अनेकों अनेक वरदान दे रहे हैं। वो कहते हैं हे बलि, मैं तुम्हारे इस आत्मनिवेदनम से आत्मसमर्पण से अत्यंत
प्रसन्न हूँ। देखिए भगवान अगर छीनते हैं ना तो रिटर्न में डबल देते हैं, ये याद आप बात याद रखना, अगर छीनते हैं तो रिटर्न में डबल देते हैं। भगवान का ROI रेट ऑफ रिटर्न किसी भी बैंक से करोड़ों गुना ज़्यादा है। द्रौपदी ने थोड़ा सा एक कपड़ा फाड़ दिया, ठाकुर जी के उंगली से खून निकल रहा था, श्री कृष्ण ने कहा एक समय आएगा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, असीमित कपड़ा दे दूंगा। वो छोटा सा टुकड़ा कपड़ा का असीमित साड़ी का कपड़ा भगवान ने उनको दे दिया। 3 दाने चावल सुदामा ने खिलाए, असीमित धन प्रदान कर दिया सुदामा जी को भगवान ने। थोड़े से फल क्या खिलाए उस मालिनी ने, टोकरी जब खोली अपने घर में जाकर सारे के सारे हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। तो उसी प्रकार अब भगवान खुले दिल से बलि महाराज को दे रहे हैं, कह रहे हैं हे बलि, अरे तुम्हारा तो मैं क्या कर रहा था, टेस्ट ले रहा था कि तुम कितने पक्के हो भक्ति में। वास्तव में जिस वंशज में तुम आ रहे हो तुम तो किसके पुत्र हो, विरोचन के, और विरोचन किसके पुत्र हैं, मेरे महान भक्त प्रहलाद महाराज के भक्त हैं, के पुत्र हैं। प्रहलाद को तो मैंने वैसे ही वादा किया होता कि उनके वंशज में आने वाले 21 पीढ़ी जितने भी वंशज होंगे उन सब का उद्धार मैं करूंगा। अरे तुम तो वैसे भी 3री पीढ़ी में हो, प्रहलाद महाराज उसके बाद विरोचन उसके बाद 3रे नंबर पे हो आप, तुम्हारा तो वैसे भी उद्धार हो चुका है, अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु मांगने से पहले उसको पता है क्या क्या दे देते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें वो दूंगा जो आज तक किसी को नहीं दूंगा। वैसे इंद्र का पद मैं किसी को ऐसे देता नहीं हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जब स्वर्णिम मनु मनवंत्र आएगा उसके राज में आप इंद्र बनोगे, आप इंद्र बन जाओगे। तो अभी क्या बनोगे आप, अभी क्या आप, अभी अभी आपको क्या पोजीशन मिलेगी। भगवान ने क्या कहा कि अभी तुम जाओगे सुतल लोक में और अपने दादाजी, अपने जो पितामह हैं आपके प्रहलाद महाराज उनके संग रहोगे। एक मिनट, हालांकि इस सुतल लोक में सारे के सारे असुर हैं, ये असुर राज हैं बलि महाराज। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि असुर लोग भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये इससे प्रूव हो रहा है। असुर को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवताओं को ही भगवान मिलते हैं, भगवान सिर्फ देवताओं से प्रसन्न होते हैं। अगर आप भक्ति को अपना लेते हो, बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया अपने आप को, तो भगवान उनको मिल गए। तो अब भगवान कहते हैं तुम सुतल लोक में जाओगे और वहीं पर तुम शासन करोगे। असुरी प्रभाव तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। असुर के बीच में रहोगे तो ऐसा हो सकता है ना कि असुरी प्रभाव आप में आ जाए, भगवान ने वरदान दिया, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। और तो और भगवान ने कहा क्या कहा, तुम्हें कभी भी किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। भगवान ने कहा कभी भी तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, कभी भी किसी भी प्रकार का असुर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, असुरी प्रभाव जो है ना आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। और तो और भगवान यहाँ पर उनको बताते हैं आपको कुछ चाहिए बताइए मुझसे, कुछ मांगना चाहते हो, पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट है। बलि महाराज ने कहा कि हे प्रभु देना ही चाहते हो तो बस एक चीज़ दे दीजिए कि आपका दर्शन मेरे को हमेशा होता रहे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तो क्या करना पड़ेगा। बोला प्रभु आप ना मेरे क्या बन जाओ, द्वारपाल बन जाओ, बिकम माय बॉडीगार्ड। अब सूतन लोक में बहुत सारे गेट थे, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ बहुत सारे गेट थे इस सूतन लोक के। अब बलि महाराज ने कुछ ऐसा मांग लिया कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूं आपके दर्शन मेरे को होने चाहिए पक्के। तो भगवान हर दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए बॉडीगार्ड बनकर, द्वारपाल बनकर। लक्ष्मी जी देख रहे हैं कि कहाँ पर है भगवान, वैकुंठ में कहीं है नहीं, जाके ढूंढते ढूंढते एक दिन आई बलि महाराज के यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के ड्राइवर बन जाते हैं, अर्जुन के बन गए, यहाँ पर बलि महाराज के चौकीदार बन गए। प्रहलाद महाराज कहते हैं अरे बलि तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए, मेरे लिए तो भगवान प्रकट होके चले गए, लेकिन तुम्हारे लिए तो आज भी भगवान क्या कर रहे हैं सुतल लोक में द्वारपाल के रूप में एक नौकरी कर रहे हैं, बॉडीगार्ड बने हुए हैं तुम्हारे, आज भी तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तुम क्या भगवान की सेवा करोगे, भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे। ऐसी अद्भुत कथा है, अति मधुर अति सुंदर, भगवान वामन के प्रकट्य महामहोत्सव की। इतने सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स, इतनी इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हमें, ये हमारे भक्ति में उन्नति के लिए ये कथा हमें प्रदान करती है।
तो यहीं पर मैं वामन भगवान की ये प्रकट्य महोत्सव लीला यहीं पर समाप्त करता हूँ, यहीं पर लीला को यहीं पर विश्राम देता हूँ। बहुत लंबी लीला है, बहुत कुछ अभी भी आपको बताने को है, लेकिन एक बार सभी कमेंट कर दें वामन भगवान की जय। लीला अगर आपको पसंद आई तो आप हार्ट्स क्लिक कर दीजिए। हार्ट्स मेरे लिए नहीं है, ये आपका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है कथा के प्रति। शेयर आप ज़रूर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को कथा पहुँची जाए। आज हमारे गौड़ीय वैष्णव में जो षड गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जीव गोस्वामी षड गोस्वामी में से सबसे छोटे, आज उनका प्रकट्य महोत्सव है, उनका आविर्भाव महोत्सव है। वाटर ब्रेक से श्रुति अग्रवाल, सॉरी आई डोंट हैव वाटर टुडे सो नो ब्रेक, आज तो बस चलने दो, हरी कथा निकलने दो, है जी। आर यू ऑल रेडी, डू यू वॉन्ट मी टू स्पीक लिटल बिट मोर अबाउट जीव गोस्वामी? और अभी जो लेट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को ये भी शेयर करनी है कि राधा रानी लागे कैसे बना, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। इफ यू आर रेडी देन प्लीज कमेंट हरी बोल, हरी बोल आप कमेंट कर दो, कुछ कमेंट्स की मैं वेट करता हूँ। तब तक थोड़ा सा आपके लिए राधा रानी लागे गा लेता हूँ। चलो राधा रानी लागे मैं लास्ट में गाऊँगा, फिलहाल मैं जीव गोस्वामी जी के थोड़ा सा कुछ आपके बाद आपसे शेयर करना चाहूँगा। यस शेज संजीत ठाकुर जी, थैंक यू वामन भगवान की जय। गीता प्रिया दास, संजीत ठाकुर अगेन, ऋषि खैलियान, वामन देव भगवान की जय, वामन भगवान की जय। श्रीकांत सोनी, हेमंत शर्मा, वामन भगवान की जय। पूजा अरोड़ा, वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। सेज राखी, थैंक यू। संगीता बोस सेज यस। हरी बोल सेज रीवा सहगल। योगेश जेपीएस, राहुल यस यस प्लीज स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ जीव गोस्वामी सेज राहुल अरोड़ा। यस आई एम रेडी एम रॉय। ऑल राइट, श्री जीव गोस्वामी की जय। जीव गोस्वामी जी हमारे गौड़ीय वैष्णवों में स्कॉलर माने जाते हैं। 400,000 संस्कृत के श्लोक तो उन्होंने ऐसे खड़े खड़े रचना कर दी। आज भी बनारस में हिंदू जो हिंदू यूनिवर्सिटी है ना बनारस में, वहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट है, जीव गोस्वामी के नाम से एक अलग से डिपार्टमेंट वहाँ पर चल रहा है। आपको जीवा इंस्टीट्यूट के नाम से आज भी इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे, जीवा फार्मेसी के नाम से आज भी फार्मेसी आपको मिलेंगे, जीवा कॉलेजेस भी हैं। तो जीवा गोस्वामी हमारे सनातन धर्म के एक महान स्कॉलर हुए हैं, जिन्होंने हमारे सारे शास्त्र वैदिक शास्त्र का क्या किया है, ही वॉज वेरी स्कॉलरली सिस्टमैटिक रूप में उन्होंने हमारे शास्त्र को क्या किया है, एक सिस्टमैटिक रूप में उन्होंने हमें प्रदान किए हैं, उनका प्रचार किया है। नित्य लीला में जीव गोस्वामी विलास मंजरी जी हैं। तो देखिए जीव गोस्वामी जी जब 1 साल के थे उनके पिताजी ने उनका साथ छोड़ दिया था, ठीक है, संसार से चले गए थे। 20 साल की उम्र में ही उनकी माता ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। जब वो छोटे ही थे उनको गौरंग महाप्रभु के साथ खेलने के लिए, उनको बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि महाप्रभु ने जब जीव गोस्वामी छोटे ही थे उनको अपनी गोदी में खिलाया है। जिन्होंने महाप्रभु का स्पर्श कर लिया हो बचपन में ही बाल्यकाल में, तो सोचो वो कितने महान भक्त बनेंगे। और आगे जाकर श्री नित्यानंद महाप्रभु, क्योंकि ये कृष्ण बलराम जी के बड़े ही भक्त थे, इनके घर में कृष्ण बलराम जी के डीटीज थे, कृष्ण बलराम जी के पूजा करते थे। तो नित्यानंद महाप्रभु जो स्वयं बलराम है, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से बलराम होइलो नीताए, विनहि न जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो। ये बंगाली भजन है। तो नित्यानंद महाप्रभु ही बलराम है और चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। तो नित्यानंद महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़ के, उनकी एक बार इच्छा हुई थी कि मैं नवद्वीप की परिक्रमा करूं, तो नित्यानंद महाप्रभु ने हाथ पकड़कर उनकी क्या करवाई थी, नवद्वीप के दर्शन कराए थे। सोचो कितने सौभाग्यशाली होंगे। उसके बाद वो वृंदावन में आए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ठीक है, तो जो षड गोस्वामी में जो सीनियर्स हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनके भाई जो हैं अनुपम, उनके ही बेटे हैं जीव गोस्वामी। अब जीव गोस्वामी आते हैं, जीव गोस्वामी क्या करते हैं, अब बहुत सारी लीलाएँ हैं, मैं
जैसे ही वो अपने गुरु महाराज रूप गोस्वामी की सेवा करने लग जाते हैं तो रूप गोस्वामी उनको स्टार्टिंग में ही बड़ी मीनियल सेवाएं देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जाओ जाओ वैष्णवों की चरणों की रज इकट्ठी करो, जाओ वैष्णवों के चरण दबाओ, जाकर वैष्णवों के कपड़े धो, जाओ जाओ वैष्णवों के लिए यमुना जी से क्या नाम है जल लेके आओ, जाओ जाओ वैष्णवों के लिए भिक्षा मांग कर लेके आओ, जंगल में जाओ जाकर फल फूल लेके आओ सेवा के लिए। जीव गोस्वामी जी कैसी सेवाएं कर रहे हैं, छोटी छोटी मिनियन मिनियन सेवाएं। हम जब भक्ति में आते हैं हमें अगर आपको कोई बोल देगा कि जाके बाथरूम साफ करो मंदिर में, ऐसी सेवाएं मिलती हैं। मैंने भी साफ करी है गुरुकुल में, हमने 8 साल बाथरूम ही साफ करे हैं, अपने खुद कपड़े धोए हैं, पोचे लगाए हैं, झाड़ू लगाए हैं, इससे सारे के सारे हृदय की मैल निकलती है। तो जीव गोस्वामी जी ने हमें शिक्षा दी, जब आपको कोई सेवा दी जा रही है, कोई भी सेवा बड़ी नहीं होती है, कोई सेवा छोटी नहीं होती है, सेवा सेवा होती है। हमें कोई सेवा दे दे आप ऐसे से करो, आप बोलो कि यार ये मेरे लिए नहीं है प्रभु जी, या उस भक्त को दे दो आप, वो कर देगा, ठीक है जी, बहाना मार देंगे, वो ज़्यादा अच्छा कर देगा, मैं तो प्रभु जी वही कर दूंगा। सेवा अपने हिसाब से लिखी जाती है, गुरु जो सेवा देता है आपको वो करनी होती है। खैर, तो ऐसे मीनियल सेवा करिए। फिर उसके बाद श्री रूप गोस्वामी जी ने जो उनके आराध्य हैं राधा दामोदर जी, आज भी उनके दर्शन आप कर सकते हो वृंदावन धाम में, उनकी सेवा उनको दी जीव गोस्वामी जी को कि आप क्या करो राधा दामोदर जी की सेवा करो। बड़ी प्रेम से राधा दामोदर जी की आप जीव गोस्वामी जी उनकी सेवा करते थे। कई सारी लीलाएँ हैं जीव गोस्वामी जी की, एक लीला सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रूप नारायण सरस्वती। ये जो व्यक्ति था ये पूरा का पूरा वेद शास्त्रों में प्रांगण एक्सपर्ट, इसने पूरे भारत में ये दिग्विजय हो गया था कि भैया इससे शास्त्रार्थ कोई भी नहीं कर सकता, अगर कोई इससे शास्त्रार्थ करेगा तो वो हार जाएगा, तो वो दिग्विजय कहलाता था। अब क्या हुआ वृंदावन में आया तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में सुना कि ये भी बड़े शास्त्रों में बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए चले गए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा, सोचा कि कौन झगड़े में पड़ेगा, कौन बिना बात के अपना समय खराब करेगा, उन्होंने स्वतः ही अपनी हार मान ली कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ऐसा करके चले गए। लेकिन जब ये बात पता लगी जीव गोस्वामी जी को जो उनके शिष्य थे, तो ये रूप नारायण सरस्वती यमुना जी के स्नान करके वापस आ रहा था, तो उनको पता लग गया जीव गोस्वामी जी को, इन्होंने बड़ी मेरे गुरु महाराज की बड़ी बेइज्जती करी है, जानबूझकर बड़ी बेइज्जती करना चाहा है, तो उनको पकड़ लिया और उन्होंने कहा उनसे कि तुम क्या बात कर रहे थे कि इस श्लोक के बारे में, ये श्लोक के बारे में, ऐसे श्लोक के बारे में। जीव गोस्वामी जी ने खड़े खड़े लाखों श्लोकों का उच्चारण कर दिया और उनके साथ शास्त्रार्थ करा जब, तो ये रूप नारायण सरस्वती का शरीर कांपने लग गया कि मैं जब एक बात बोलता हूँ उसी के लिए 50 श्लोक का संधि विच्छेद कर उनको श्लोकों को तोड़कर ये जीव गोस्वामी मेरे को बता रहा है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक उसको बिल्कुल क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया, बिल्कुल चेहरे को नीचे झुकाते हुए वृंदावन से भाग गया ये रूप नारायण सरस्वती। कहते हैं कि मैं अपना सारा का सारा जो ये दिग्विजय जो मेरे को ये उपमा दी गई है, मैं ये जीव गोस्वामी को सौंपता हूँ, मैं जीव गोस्वामी जी के सामने मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जैसे ये बात पता लगी श्री रूप गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जी बड़े ही विनम्र हैं। देखिए गोस्वामी का स्तर क्या है, सेवा और भक्ति का स्तर क्या है। उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे शिष्य ने ऐसे किसी का अपमान किया है, तो उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को अपनी सेवा से दूर कर दिया कि तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो। जिसके अंदर क्रोध हो, जिसके अंदर द्वेष हो, जिसके अंदर ईर्ष्या हो, उसके लिए वृंदावन में कोई स्थान नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात है, शिष्य ने अपने गुरु के डिफेंस में ये काम किया, लेकिन गुरु का स्तर देखो रूप गोस्वामी का, वो ऐसी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी यहाँ पर शिक्षा है, बहुत सारे लोग बहुत मालाएं रट रहे हैं, हैं जी बहुत तपस्या करते हैं, बहुत व्रत रखते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, भैया हम तो कितना सारा भोग बनाते हैं अपने ठाकुर जी के लिए, देखा हम तो कितना सुंदर श्रृंगार कर लेते हैं अपने ठाकुर जी का, अरे मुझसे अच्छा संगीत कोई कीर्तन नहीं गाता है, अरे मुझसे अच्छा कोई मृदंग नहीं बजाता है। लेकिन इतना कुछ होने पर भी वो गुरु के अगर चरणों में अपराध करेंगे, गुरु के प्रति अपराध करेंगे, सेवा अपराध, गुरु अपराध और धाम अपराध, यदि हम ये करेंगे और खूब सारा हरिनाम भी करेंगे तब भी कृष्ण हमसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं।
सेवा से दूर हो जाओगे। अब रूप गोस्वामी जी ने दूर कर दिया। सनातन गोस्वामी जी एक दिन आए और उनको समझाते हैं, अरे इसने भला अपने गुरु के बारे में कोई शिष्य कैसे सुन सकता है, आप प्लीज़ उसको पुनः अपना लीजिएगा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, मेरे को इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि उसने मेरे लिए गुस्सा करा, मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उसने उसको गुस्से के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आया। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं, बड़ी मार्मिक बातें हैं, समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी सनातन गोस्वामी के कहने पर रूप गोस्वामी ने पुनः क्या कर लिया, जीव गोस्वामी को क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये है, अगर आपसे कोई वैष्णव रूठा हुआ है तो सबसे आसान तरीका है कि वो वैष्णव जिन वैष्णव के बड़े नज़दीक हैं, क्लोज हैं, आप उनको अप्रोच करो और उनको बोलो कि प्रभु आप बात करो ना प्रभु जी से, उनको मनाओ ना प्रभु जी मेरे से अपराध हो गया है। ठीक है, अगर आप अपनी हवा में रह जाओगे, अरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप भक्ति से दूर हो जाओगे, भक्ति छूट जाएगी। वाटर ब्रेक। विष्णुप्रिया दास, थैंक यू फॉर योर कंसर्न एंड आई अप्रिशिएट इट लॉट। सो षड गोस्वामी पाद की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने महान हैं हमारे जीव गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी जी की आज भी समाधि का दर्शन आप कर सकते हो वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर में। और कई भक्त ये जानते नहीं होंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने 6 साल तक जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में जो रहे थे, जिस कमरे में वो रहे थे, वो कमरा भी जीव गोस्वामी जी ने ही अपने हाथों से बनाया था। अर्थात अगर जीव गोस्वामी जी ना होते तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ना होते, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ना होते तो श्रील प्रभुपाद जी ना होते, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ना होते तो हमारे जो दीक्षा गुरु हैं वो ना होते, और अगर हमारे दीक्षा गुरु ना होते तो हमारे शिक्षा गुरु ना होते, हमारे शिक्षा गुरु ना होते तो आज हम सब भक्ति में ना होते। तो हमारा सोर्स क्या है, जीव गोस्वामी जी। आप ज़रूर वृंदावन जब मौका लगे जाएं, जब ये कोविड खुल जाए, जीव गोस्वामी जी के समाधि में जाकर प्रणाम करें। श्रील प्रभुपाद जी अपने कमरे से जीव गोस्वामी जी के समाधि को, रूप गोस्वामी जी के समाधि को प्रणाम करते उनसे भीख मांगते थे, हे जीव गोस्वामी जी, हे गोस्वामी पाद, हे श्री रूप गोस्वामी जी, यदि आप चाहें आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन कर पश्चात देश जाकर इस कृष्ण आंदोलन को प्रारंभ कर पाऊँ और अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए संपूर्ण संसार में कृष्ण भक्ति का ये जो नींव है, ये पौधा है, इसको मैं उगा सकूं, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रारंभ कर सकूं। ऐसे महान आचार्य श्रील जीव गोस्वामी जी के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे गोस्वामी पाद, यदि आप चाहें तो हम निरंतर रूप से, निस्वार्थ भाव से, विनम्र भाव से, अपराध रहित होकर, नाम में रुचि रखकर, हम आजीवन काल तक श्री कृष्ण की, श्रील प्रभुपाद जी की, गौरंग महाप्रभु की और वैष्णवों की सेवा में हमेशा लगे रहें। श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से सुना। तो अब क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप राधा रानी लागे ये ट्रैक कैसे बना, इसके बारे में अगर आप सुनना चाहेंगे तो अगर आप में से कोई कमेंट करके मेरे को बताएगा तो मैं जल्दी से आपको सुना दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स ट्रैक भजन मैं चला रहा हूँ। और थैंक यू अगेन, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस भजन को, इस ट्रैक को इतना सारा प्यार दिया है, इतना सारा स्नेह दिया, बहुत ही प्यारा ये राधा रानी लागे मेरा आज तक का सबसे फेवरेट भजन है, ट्रैक जो मैंने बनाया है। सही में बिल्कुल सही बोल रहा है, आपने दिल को छूता है, मन को शांत करता है। राधा रानी के, श्री किशोरी जी के बड़े नज़दीक हम महसूस करते हैं। और ये स्टोरी है ही ऐसे कि कैसे बंदा बड़ा परेशान सा हो जाता है, उसको ऐसे कोई न्यूज़ मिल जाती है, है ना, और कैसे सपने में ही किशोरी जी आकर उसके पूरे दिन को बड़ा आनंद से भर देते हैं, उसके जीवन को आनंद से भर देते हैं, और लास्ट में वो क्या करता है, राधे राधे खुश हो जाता है ना। थोड़ा सा मैं आपके लिए गाता हूँ और उसके बाद 10 मिनट में आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या हुआ था, एंड देन वील कंक्लूड दिस लाइव सेशन ओवर हियर। ओके, आर यू रेडी, राधा रानी लागे, राधे राधे।
कृष्णा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो भाग रहा होता हूँ ना छोटी सी लाली किशोरी नमा उसका नाम है किस किस को प्यारी लगी हमारी छोटी सी नमा जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी ब्रज धाम राधा जो की ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे महारानी लागे मन्ने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे इसमें जो छोटी सी प्यारी सी राधा रानी बनी है उसका नाम है नमा अगली बार जब मैं लाइव आऊंगा कोशिश करूंगा कि आपको नमा से भी मिलवाऊं और शायद इंस्टाग्राम पे आज रात को लाइव आऊंगा प्लीज स्टे अपडेटेड मारी जबड़िया ने भावे अब राधा नाम मलाई मारी राधा नाम की मलाई हमें अच्छी लगती है अब राधा नाम मलाई ऋष भानु की लाली तो वृष भानु की लाली तो गुड़धानी लागे वृष भानु की लाली कैसी लागे गुड़धानी जैसे गुड़ को आप पिघला दो ना इतनी मीठी है हमारी राधा रानी यस शावर सम लव फॉर नमा बहुत बहुत एफर्ट्स किए छोटी सी प्यारी सी नमा ने बहुत बहुत बताता हूँ आपको भी राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो या जो राधा रानी का नाम रटता है उसके साथ क्या होता है नाम रटत है जो नर आठो या तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम तिनकी बाधा दूर करत है थोड़ी सी भी कुछ भी बाधा हो उसके जीवन में वो नष्ट हो जाता है जो राधा नाम लेता है जो राधा नाम लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे महारानी लागे मन्ने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन्ने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी प्रियेश्वरी प्रमाण सासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद कालेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजादिपे श्रीराधिके नमस्तुते राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्राण मामे हरि प्रिये सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्राण मामे हरि प्रिये सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्राण मामे हरि प्रिये Thank you. Billions and billions times. Thank you. जिन्होंने ये भजन ये ट्रैक नहीं देखा है मेरे YouTube चैनल पे आप जा सकते हैं गोविंद कृष्ण दास राधा रानी लागे इट्स ट्रेंडिंग श्रीमती राधा रानी की कृपा से. मैं यहाँ पर थोड़े से कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा. बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं. मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस मे द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी क्रॉस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज सेज राहुल अरोड़ा सो स्वीट यू आर अमेजिंग ऐश्वर्य गुप्ता थैंक यू एंड प्रभु योर वॉइस इज हार्ट्स दिए हुए हैं हरि बोल एंड लेट मी जस्ट रीड सम मोर एंड दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑफ 2020 फॉर मी एम रॉय थैंक यू सो स्वीट मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इज माई मखेश्वरी क्रियेश्वरी प्रमोद सागरेश्वरी यस आई लव दिस इज माई फेवरेट पार्ट टू दिस पार्ट ऑल्सो टच माई सोल सेज दीक्षा नेहरी अमेजिंग ट्रैक सेज मीनू अरोड़ा एंड सो मैनी वंडरफुल स्वीट मैसेजेस आपकी भक्ति देख कर मैं आपको नमन करती हूँ मैं आपको नमन करता हूँ माता जी मोनिका जी एंड ज्योति राधे कह रही है यस फेवरेट पार्ट जी के डी माई हैंड सम खाना संगीता बोस थैंक यू सो स्वीट एंड बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस जब से ये सॉन्ग आया है मॉर्निंग इवनिंग डे नाइट सुनते हैं फीलिंग ब्लेस्ड सो स्वीट विष्णु प्रिया दास दिस ट्रैक इज ब्यूटिफुल माई ऑल्सो फेवरेट इज शिवा एंड सच वंडरफुल कमेंट्स लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द ट्रैक बना कैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आई वुड विश आई हैव शोन यू माई सन एंड डॉटर डांसिंग ऑन दिस सॉन्ग पूजा सोनी आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा मैं कुछ दिनों में एक चैलेंज करने वाला हूँ आपको राधा रानी लागे पे डांस करके वीडियोस मेरे को भेजनी है आपको राधा रानी लागे पे आपको एक वीडियो बनानी है उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम को या मेरे फेसबुक पेज पे अगर आप फेसबुक पे हो टैग करना है वो वीडियो को अपलोड करके अपने पेज पे मेरे को टैग करना है ये मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूँगा आपको करना क्या है उसके बाद आई विल टेक आउट थ्री बोलने वाला था उसके मैं पांच बोल देता हूँ आई विल टेक आउट फाइव विनर्स हु आर द बेस्ट हु हैव गिवन द बेस्ट सर्विस ऑन राधा रानी लागे याद रखना मैं आपके डांस को नहीं देखूंगा भाव को देखूंगा ठाकुर जी ने जो आपको टैलेंट दिया है वो आप यूज़ कीजिएगा बट आई विल बी लुकिंग फॉर द भाव आप किसी भी प्रकार से किसी और की वीडियो को देख कर ये मत सोचिएगा अरे इसने तो इतना अच्छा डांस कर दिया मैं क्या शेयर करूँगा नहीं राधा रानी लागे हैशटैग राधा रानी लागे हैशटैग चैलेंज ये मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ जस्ट स्टे अपडेटेड ऑन माई सोशल मीडिया फाइव विनर्स मैं निकालूंगा एंड सब फाइव विनर्स को लाइक ऑब्वियसली देर विल बी टॉप थ्री एंड देन विल बी देर द बेस्ट लाइक टॉप फर्स्ट विनर फाइव गिफ्ट मैं निकाल के रखूंगा आप सबके लिए राधा रानी लागे ये चैलेंज जल्दी से होने वाला है सर हाउ कैन आई गेट दी ऑडियो राधा रानी लागे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंदनी पांजा जी थैंक यू फॉर आस्किंग राधा रानी लागे मेरा हरे कृष्ण महामंत्र नमः शिवाय ट्रैक और मेरा कृष्णा हे जितने भी मेरे ट्रैक्स हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 3 सितंबर पे आ रहे हैं 3 सितंबर को सावन पे या जोन से भी आप विंक पे आप जोन से भी प्लेटफॉर्म आप देखोगे 3 सितंबर को आपको वहाँ पर ऑडियो ट्रैक मिल जाएंगे सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन थैंक यू फॉर आस्किंग बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एंड वॉट एल्स आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक माई टीम द डायरेक्टर दीपक विग जी द डी ओ पी
Harjasprit ji and music by Beat Lab. They've all done a very wonderful job. And the cute little Hamari Radha Rani Kishori ji, Namaha. And Namaha's parents. हुआ क्या था मैं बताता हूँ. मैं गया मैं स्टूडियो गया अचानक. राधाष्टमी से मैक्सिमम 3 दिन पहले मेरे मन में आया कि यार एक ट्रैक निकालते हैं राधाष्टमी पे. तो जब मैं गया ना स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए, मेरे को तब तक नहीं पता था कि मेरे को कौन सा ट्रैक गाना है, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स. मैं तब तक भी श्योर नहीं था. जैसे ही उन्होंने बोला कि चलो हम लेट्स टेक द टेक, आपको पता है ना आपको क्या गाना है, मैंने बोला मेरे को अब तक नहीं पता मेरे को क्या गाना है. पर पता नहीं क्या राधा रानी ने अंदर से आवाज़ दिया. एंड व्हेन आई वेंट इन द स्टूडियो टू सिंग, वी डिसाइडेड टू सिंग राधा रानी मीठे रस से भरोड़ी. उसी टाइम फाइनल हुआ. और लिरिक्स मेरे को नहीं आते थे, आई कैन सी दीपक विज इज़ ओवर हियर. थैंक यू भाई, थैंक्स टू यू माई डियर ब्रदर, वंडरफुल जॉब यू हैव डन. तो मेरे को लिरिक्स नहीं आते थे. और जो आपने ये श्लोक बीच में सुना है ना, ये शुशी राधा कृपा कटाक्ष तवराज से आया है. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड श्लोक होते हैं, मखेश्वरी सुरेश्वरी, है ना. ये मेरे को तब भी याद नहीं थे. तो मैं एक हाथ में मेरे मोबाइल था और मैं फाइनल टेक गा रहा था इस भजन को, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे. तो श्रीमती राधा रानी की केवल कृपा के कारण ही ये ऐसा गाया गया. वरना आपको लिरिक्स याद होने चाहिए, आपको ट्यून पता होने चाहिए. हम, मैं और बीट लैब जिसने म्यूजिक दिया है, हम गाते गाते म्यूजिक बना रहे थे. किसी को कुछ नहीं पता था कि म्यूजिक कहाँ जा रहा है, कैसे बन रहा है, ऐसा बना है ये ट्रैक. और ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ये लास्ट में जो पार्ट आता है ना, ये वाला जो ब्रेक होता है, दिस पोर्शन विच इज हो राधे 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 गोविंद राधे, ये लास्ट टाइम तक भी नहीं पता था कि हमने ये गाना है. एक्चुअली क्या हुआ था, हमें ना ट्रैक का लास्ट एंडिंग नहीं मिल रही थी. तो मैं गा रहा हूँ दिस सॉन्ग मेल्ट्स द हार्ट ऑफ थाउजेंड्स, इट्स ऑलरेडी विन ओवर एवरीवन्स हार्ट, सो स्वीट. अब मैं गा रहा हूँ और हम आपस में आंखों आंखों में डिसाइड करें आगे क्या गाएं. आप समझ सकते हैं क्या सीन होगा वो. और अंदर से राधा रानी ने आवाज़ दिया, ये गा अच्छा लास्ट में अब क्या करें. तब तक अंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषण भानु सुते देवे प्राणमामी हरि प्रिय. ये निकल के आ गया. चलो भैया, जैसे तैसे ट्रैक बन गया. अब क्या होता है, ट्रैक बना रहे थे तो ट्रैक जो बना रहे थे हमारे मोहित जी बीट लैब, उनकी सिस्टर आई हुई थी कुछ अपना काम करने के लिए. कुछ प्रोजेक्ट उनका था, वो क्लासिकल डांसर हैं, सिखाती हैं. तो मैं ना उनसे स्टोरी शेयर करने लग गया. तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी इसकी आप स्टोरी क्या बना रहे हो, व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट्स द थीम, आप वीडियो क्या दिखाओगे. तो मैंने उनसे बस एक छोटी सी बात शेयर करी थी. मैंने उनसे ये बात कहा कि अब मेरा तो मन ये है कि ऐसे एक बंदा है बड़ा परेशान सा है, लेकिन राधा रानी मैं चाहता हूँ कि छोटी सी बच्ची है, हम उनको किशोरी जी बनाएंगे, राधा रानी बनाएंगे. और अभी कुछ मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, सब कुछ रफ है, लेकिन बस इतना पता है मेरे को कि ये दिखाना चाहता हूँ कि छोटी सी लाली क्या करती हैं, वो आकर एक व्यक्ति के जीवन में आती है और उसको आनंद से भर देती हैं. अच्छा जी, ये बात हो रही थी. तो मैंने उसको बातों में पूछ लिया कि मोहित अगर तुम्हें पता कोई प्यारी सी कोई छोटी सी बच्ची तुम बताओ तो मेरे को बताना. तो उनकी सिस्टर साथ में बैठी हुई थी, खुशी जी. अगर खुशी जी यहाँ पर लाइव है मेरे साथ तो प्लीज़ आप कुछ कमेंट करें. एंड तो खुशी जी ने कहा, मैंने खुशी जी से पूछ लिया, उनकी सिस्टर से पूछा कि दीदी आपने कहा कि आप लाइक क्लासिकल डांस सिखाते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स आते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, तो कोई छोटे से बच्चे भी आते हैं आपके पास. तो उन्होंने कहा अरे और कोई की क्या बात है, मेरी बेटी है ना, मेरी बच्ची है.
तो मैंने बोला आपकी बेटी? बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि देखो, तो उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन निकाल के क्या किया, मेरे को नमा की फ़ोटो दिखाई। आप मानोगी नहीं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैंने जैसी नमा की फ़ोटो देखी ना, तो शी वॉज ड्रेस्ड इन ऑल हर क्लासिकल डांस वाली ड्रेसेस, बड़े से सुंदर, वो मतलब बहुत गोपी सी लग रही थी, बड़ी प्यारी। मैंने सिर्फ मैक्सिमम 5 सेकंड के लिए देखा होगा, आप ये बात उनसे भी पूछ सकते हैं। मैंने बोला डन, मैंने बोला दीदी डन, दीदी बस डन हो गया ये, आपको मैं बता दूंगा कब क्या करना होगा, ट्रैक जैसे ही आ जाएगा, बस नमा। मैंने बोला उनका, इसका नाम क्या है, आपकी बेटी का नाम क्या है? बोलते नमा। मैंने बोला क्या नाम है, आप में से किस किस ने ऐसा नाम पहले सुना है नमा? मैंने तो नहीं सुना, बहुत ही सुंदर नाम है, वन ऑफ माई फेवरेट नेम्स नमा। हर चीज़ नमा से तो शुरू होती है, नमः शिवाय, नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमा, हर चीज़ में नमा है ना। तो मैंने बोला दीदी नमा ही किशोरी जी बनेगी, नमा ही लाडली बनेगी, नमा ही राधे राधा रानी बनेगी। डन हो गया, मैं घर चला गया। ठीक है, 2 दिन रह गए राधाअष्टमी पे, मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, ट्रैक बन गया, ट्रैक बन गया, ट्रैक बन गया, नहीं जी ट्रैक बना नहीं, अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। फिर मैंने अपने टीम को फ़ोन किया, मिस्टर दीपक विज जी को फ़ोन किया, और मैंने उनसे शेयर किया, DOP हरजसप्रीत जी से शेयर किया मैंने बात की, भाई देखो कोरोना चल रहा है, कोविड, मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, ऐसे कोई बताएगा नहीं। मैंने उनसे सीधा शेयर किया कि भाई देखो बजट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, और मेरी इच्छा तो थी कि हम वृंदावन बरसाना में शूटिंग करें, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के ब्रज भूमि में हम बरसाना में शूट करें तो उसके तो क्या ही कहने हैं, लेकिन बजट बहुत लो है, कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाया है इतने दिनों से, सो जितना हो सके आप इसको थोड़ा सा कर लो, एडजस्ट करिएगा, एंड लेट्स मेक दिस फॉर द प्लेजर ऑफ श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम ये बनाते हैं। और बहुत साथ दिया मेरा दीपक विज जी ने और हरजसप्रीत जी ने, और उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप चिंता ना करें किसी भी बात का, लेट्स हम बस करते हैं, हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलो ठीक है, डिसाइड हो गया, करेंगे। वेन्यू नहीं पता क्या, कहाँ पे शूटिंग करनी है, किसी को ये नहीं पता कि एक्टिंग क्या करनी है, किसी को ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या है सॉन्ग का। बहुत बड़ी था सिचुएशन। तो राधाअष्टमी से 1 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि भैया कुरुक्षेत्र धाम में हम हैं तो ब्रह्म सरोवर पे शूटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड KDB का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, उन्होंने हमें परमिशन दी ब्रह्म सरोवर पे, जो हार्ट ऑफ कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर शूटिंग करने के लिए। अब क्या हुआ, याद रखना 1 दिन पहले राधाअष्टमी के हम शूटिंग कर रहे हैं एक ऐसा ट्रैक जो पूरी दुनिया को देना है, जो पूरी दुनिया के हृदय को टच करे, राधा रानी के नज़दीक उनको महसूस करे। 1 दिन पहले राधाअष्टमी के कितनी सारी सेवाएं मेरे पास वैसे ही थी, बहुत सारी सेवाएं थी। ठीक है, सुबह पहुंच गए ब्रह्म सरोवर 6 बजे, ब्रह्म सरोवर सुबह 6 बजे पहुंच गए। बहुत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है, किसी का क्या जाता है नहीं, वैसे एक सेकेंड लगता है, वो कमेंट कर देते हैं वेरी बैड लिरिक्स, वेरी बैड कोरियोग्राफी, मज़ा नहीं आया, नो नॉट गुड, शो ऑफ कर रहा है, यहाँ ना कमेंट कर देते हैं लोग। मतलब कितने लोगों की मिली जुली मेहनत है ये, मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा हूँ, आप सब कितनी मेहनत करते होंगे अपने अपने फील्ड में, और जब कोई 1 सेकंड में ऐसे कमेंट कर देता है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा निराश मत होना, डोंट स्टॉप। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर आप ये सोचने लग गए कि लोग क्या कहते हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, उनको कम से कम उनका काम तो करने दो, सोचने का काम लोगों को करने दो। अगर आप भी वही काम करने लग गए कि आप भी वही सोचने लग गए कि जो लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर आप अपने काम पर ध्यान ही दे पाओगे। खैर, सुबह 6 बजे हम पहुँच गए ब्रह्म सरोवर पे, हार्ट अटैक जैसे मेरे को पता है कब आया, मैं फ़ोन कर रहा हूँ बार बार खुशी जी को, फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई नमा के बिना तो सब कुछ अधूरा है, और खुशी जी का फ़ोन ही नहीं लग रहा, वो तो गायब है, पता ही नहीं हैं कहाँ, आ रही है नहीं आ रही है। ओ माई गॉड, आई स्किप्ड अ बीट, आई एम टेलिंग यू, सारे के सारे DOP डायरेक्टर हम सब वेट करने की, भाई पता ही नहीं वो आएगी भी नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम लाइक अराउंड 7 o'clock
उनका फोन उठा और मैंने पूछा आप कहाँ हो, जल्दी आओ, आ भी रहे हो नहीं आ रहे हो? उन्हें बोला नहीं 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 मेरा फोन ना मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जर भी नहीं मिल रहा था, तो हम निकल चुके हैं, आ रहे हैं। चलो जी हो गया, ये तो कंफर्म हो गए, कम से कम आ तो रहे, नहीं तो आप सोचो हम साइट पे पहुंच गए और श्रीमती राधा रानी नहीं है, फिर तो क्या ही होता। अब क्या होता है, शूट स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने ये जो सीन देखा है ना स्टार्टिंग में, जब नमा या लाली लाडली क्या करती है, ऐसे मेरे को ऐसे कंधे पे एक हाथ लगाती है, तो उसके बाद मैं पीछे मुड़ता हूँ, गायब हो जाती है, फिर वो वहां से भी आती है। सिर्फ इस टेक को लेने के लिए 2 घंटे लग गए। वो यहां पर थप्पी मारे, डायरेक्टर बोले नहीं 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 कट कट कट, ठीक से नहीं आया, वो हाथ थोड़ा आगे करो, हाथ थोड़ा पीछे करो, साइड में करो, इधर करो, लाइट ठीक से नहीं आ रही, नहीं 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 कट कट कट। अच्छा मेरा एक्शन, मैं बोलता हूँ ना, अच्छा ठीक है, फोन उठाने तक और फोन रखने तक का कम से कम 20-25 टेक ले लिए। माई गॉड, माई डायरेक्टर वॉन्ट्स परफेक्शन, 25 टेक उसके ले लिए, यहाँ पर पलटने का इतने टेक इसके ले लिए। अब उसके बाद तो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, यहाँ भागो वहाँ भागो, राधा रानी भगाई जा रही है भगाई जा रही है भगाई जा रही है। अब भागने भागने में इतने सारे टेक, फिर से टेक 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 टेक, कोई बंदा पीछे आ गया, कोई ये हो गया, कोई कुछ हो गया, भागते रहे। नमा ने इतना साथ दिया, और वास्तव में जब हम ऐसे कुछ डिवोशनल काम करते हैं ना, तो यू विल फील दैट स्पिरिचुअल पावर। सुबह के 6 बज गए, दोपहर के 12 बज गए, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक टैन हो गया था, जल रहा था मैं। वैसे श्रीमती राधा रानी ने पूरा दिन बड़ा अच्छा वेदर रखा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं एकदम काला भूत बन गया था, लाल 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 चमक रहा था मैं, जैसे टमाटर की तरह लाल हो गया था, मेरे चेहरे से भभक निकल रही थी, आग निकल रही थी। मैं डायरेक्टर ने बोला था, दीपक विज जी ने बोला कि थोड़ा सा बर्फ लगाओ प्रभु जी। मतलब बहुत हार्ड वर्क हुआ, बहुत हार्ड वर्क हुआ। स्टार्टिंग में नमा क्या कर रही थी, जब उनको बोलते थे कि आपने ये सीन करना है, नमा बड़ी जोश में, नमा बोलती थी अरे भैया आप करो ना, मैं कर दूंगी, आप चलो करो। मतलब उसने इतना जोश इतना उत्साह बढ़ाया हम सबका। खैर सबका हार्ड वर्क पता है, ऐसे करते करते शूटिंग करते करते शाम हो गई, लोग इकट्ठे हो गए देख रहे हैं, वो छोटी सी नमा नाच रही है, आपने वो सीन देखा होगा जिसमें मैं मृदंग उठाता हूँ, मृदंग पे डांस करता हूँ, ना किसी को एक स्टेप पता क्या करना, ना कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई डांस स्टेप नहीं, बस नेचुरल कर दो जो करना है। समझ रहे हो आप क्या सीन हुआ होगा। चलो वो भी हो गया। उसके बाद रात को आपने वो सीन देखा होगा ब्रह्मसुर वाला, वो आरती का सीन, इसको करते करते 9:30 बज गए। 9:30 बजे अच्छा मेन चीज़, हमारे पास स्टोरी का ना एंड नहीं था, तो मैंने अपने डायरेक्टर से बात करी, एंड मेरे को सॉलिड चाहिए, पावरफुल चाहिए। तो वो आरती का सीन चल रहा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, श्रीमती राधा रानी ने एक ऐसी प्रेरणा दी, हृदय से ऐसी आवाज़ दी कि जब तुम लास्ट में मेरे चरण को छूओगे, चरण को छूते हुए उसके बाद आपने क्या दिखाना है कि जप माला वहाँ पर पड़ी हुई है, तो उनकी चुन्नी जो है पूरे आपको ट्रैक में दिखेगी, ऐसे लटक रही है। तो हमने ये दिखाया कि श्रीमती राधा रानी गायब हो जाती है, लेकिन गायब होने से पहले वहाँ पर माला छोड़ जाती है। अर्थात श्रीमती राधा रानी हमें ये बताना चाह रही है कि अगर जीवन में आनंद चाहिए, स्टार्टिंग में मैं बड़ा अपसेट था, डिप्रेस था, लास्ट में मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, किशोरी जी स्वयं मेरी लाइफ में आई, सपने में आई, माला देकर गई कि मैं तेरे साथ 24 घंटे हूँ माला के रूप में। अगर तू माला का जप करेगा तो हमेशा, वैसे भी करती है स्माइल, ऑलवेज स्माइल, हमेशा स्माइल करता रहेगा। तो ये प्रेरणा मेरे हृदय में आई, तो मैंने उनसे शेयर करी, उन्होंने बोला बेस्ट है प्रभु जी, बस डन हो गया ये। मैंने जल्दी से अपने जप माला को मंगवाया, जब माला को हमने रखा, और लास्ट का सीन जो आपको देखने को मिलता है कि ऐसे मैंने माला उठाई और अपने हृदय से लगाकर उसको चूमता हूँ, ये सीन ऑन द स्पॉट वहीं पर डिसाइड किया गया, वहीं पर शूट किया गया, जो आप सबको बड़ी प्रेम से हमने क्या किया है, उसको प्रस्तुत किया है। तो इसके अंदर बहुत और सारी बातें हैं, बिहाइंड द सीन बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन
बहुत हार्ड एफर्ट्स, बहुत कम समय में। शाम को 6 बजे का हमने राधाष्टमी के दिन, मैं पूरा दिन बिजी रहा, पूरा दिन अब मैं अभिषेक में अपने मंदिर में प्रोग्राम चल रहे थे, एक बार भी डिस्कस नहीं कर पाया मैं कि एडिटिंग कितनी पहुंची है। ऑडियो ट्रैक मेरे को मिला नहीं था, बस वो एडिटिंग कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं, और ट्रैक जैसे बन गया बन गया। मैंने शाम के 6 बजे से सिर्फ 15 मिनट पहले वीडियो देखी, उसमें भी चेंजेस हमने करने थे, लेकिन आई सल्यूट माई टीम, उन्होंने बहुत कम टाइम में पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को, हम सब को एक ऐसा आनंदपूर्वक, ब्लिसफुल ऐसा भजन, ऐसा ट्रैक दे दिया है। आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग जब देखेंगे, जब सुनेंगे, हमेशा अपने आप को श्रीमती राधा रानी के नज़दीक पाएंगे। सो 5:52 तक एडिटिंग चल रही थी, 5:54 तक हम फ़ोन पे बात कर रहे थे कि ये चेंज करना है, कैसे करें क्या नहीं करें, और 6 PM वी गेव यू दिस भजन। राधा रानी लागे मने कारो कारो, जमुना जीरो पानी लागे। तो ये छोटी सी एक बिहाइंड द सीन्स मेरा हार्ट था, दिल की बात जो मैं आपसे शेयर करना था, चाहता था। राधा रानी लागे कैसे आया, मैं एक्चुअली पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ। सो अगेन प्लीज़ स्टे अपडेटेड ऑन माई पोस्ट, ऑन माई स्टोरीज। मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम को या नहीं तो कल इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं हो, यू कैन प्लीज़ गो एंड बिकम फ्रेंड्स विद मी ऑन इंस्टाग्राम। सबसे पहले पोस्ट मेरे अगर कहीं आते हैं वो इंस्टाग्राम पे आते हैं। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि फेसबुक पे तो वो टेक्नोलॉजी अभी है नहीं जहाँ पर स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है और आमने सामने हम बात कर सकते हैं। शायद मैं नमा को कोशिश करूँगा, नमा को इंस्टाग्राम पे ला के हम बात कर पाएँ, या मे बी सम अदर डे, मे बी संडे, नेक्स्ट संडे फेसबुक पे, क्या नाम है, नमा के साथ रहकर हम दोनों मिलकर आपके साथ, आप सबके बीच आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आपकी कोई, आप में से कोई मेरे को सजेस्ट करना चाहेगा कि मेरा अगला ट्रैक कौन सा होना चाहिए, कौन सा भजन का होना चाहिए। ये ट्रैक भी राधा रानी लागे भी मैंने इंस्टाग्राम लाइव पे पूछा था और आपकी ही बात को आगे रखकर, आपकी ही बातों को मानकर, ये राधा रानी लागे सबने कहा था, मैंने राधा रानी लागे आप सबके बीच प्रस्तुत किया। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर भजन यू वुड लाइक मी टू सिंग, then I would definitely like to serve, ठीक है। अब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हो बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा ऊपर से आ जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऊपर से रह गए। प्रभु जी यू आर अमेजिंग नंदनी, थैंक यू, योर ऑल वीडियोज आर ग्रेट। नीरज महाजन, वाटर ब्रेक प्लीज, नो वाटर ब्रेक टुडे। All scenes are very beautiful, but last scene राधा रानी के चरण स्पर्श वाला, वाह दिल छू गया। And best भजन I've ever listened, so sweet अदिति, goosebumps पूजा गुप्ता, and प्रभु जी once again स्त्रोत्रा पार्ट। लास्ट में जाने से पहले मैं आपको वो मंत्रों वाला पार्ट चला के ज़रूर सुनाऊँगा, ठीक है, that will be our ending। Thank you so much, thanks to all of you. Beautiful story, heart touching, everything seeing so real, blissful story, so meaningful, deep, lovely, beautiful, pure bhajan, says Shagun Vami. Harsh Pandey ji, ज़रूर करेंगे आपकी बात को, ज़रूर हम उसका पालन करेंगे। And waiting for your challenge, Prabhu ji, would love to participate. Nandini Panja ji, yes, there will be Radha Nani Lage challenge. कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई नहीं कहता है भगवान, हम तो कहते हैं ज़रूर आते हैं। 2 hours non-stop से राश्वी रावत, थैंक यू राधे राधे, तब तक कांचन गौरांगी, श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। निरुता चैत्री जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। शिव तांडव स्तोत्रम पावरफुल, लॉर्ड शिवा प्रोमिनेंट, गॉड शिवा, ओ माई गॉड, ये तो बहुत पावरफुल चीज़ होगी, बहुत पावरफुल हो गया प्रभु। कोशिश कर सकते हैं। सारा जैन, मधुराष्टकम, दामोदराष्टकम, दामोदराष्टकम इज अ वेरी नाइस आइडिया। कार्तिक भी आ रही है। नमामीश्वरम सचिव दानंद रूपम लसत कुंडलम गो कुले ब्रजमानम,
ये एक ट्यून हो गई, अलग अलग ट्यून्स हो सकती है, पता नहीं कौन सी ट्यून। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। अब देखो कितनी सारी ट्यून्स होती हैं एक भजन को गाने के लिए, ऐसी एक ट्यून सिलेक्ट करनी होती है जो आप सबको भी प्रसन्न अच्छी लगे, मतलब कितना सारी चीजें होती है ना। ओके आगे देवांगी रावल से, कम से कम एक दिन पहले बताना या फिर आधे दिन पहले लाइव के बारे में। बताया था मैंने, कल बता तो दिया था, एक दिन पहले बताया था देवांगी जी। ओके मुरोजी पोपली जी, हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, हो राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, तुझे मिल जाए हो तुझे मिल जाए श्याम श्याम, राधे राधे गाएंगे, हो मन चल रे वृंदावन धाम, हो राधे राधे गाएंगे। अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। ओहो जब वृंदावन में एंट्री मिल जाएगी ना तो ये गाऊंगा, मन चलो रे वृंदावन धाम, सबका मन भी वृंदावन जाने का होगा। डंडी पूर्णिमा शर्मा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, जरूर गाएंगे, बहुत अच्छा ट्रैक है। थैंक यू पूर्णिमा। ओह डीपी में मैं भी हूँ, पूर्णिमा की डीपी में। थैंक यू। भजन ऑफ श्री राम फॉर नेक्स्ट ट्रैक, भजन फॉर श्री राम। यस भजन फॉर श्री राम। मैं ये भजन भी गाने के लिए सोच रहा हूँ श्री राम जी के लिए। वो जीवन सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, हो राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले, मन में ही राम बसा ले, बोलो राम राजा राम राजा राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये भजन भी बहुत सुंदर लगता है मेरे को। Who said this? दीपांजना घोष। Nice, nice. राधे किशोरी दया करो, श्यामा किशोरी दया करो, दया करो श्यामा दया, यस दया करो। दो घंटे से गा रहा हूँ भाई, दो घंटे से बोल रहा हूँ। वेरी नाइस साहिल हिंदुस्तानी, राधा रमन की जय, प्लीज दिस कीर्तन इन वीडियो, गीता प्रिय दास। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। वेरी नाइस वेरी नाइस। प्लीज प्रभु डू वंस कीर्तन, आई एम डूइंग कीर्तन। संजीव ठाकुर जी, राधे तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए। रीवा सेगल जी, बड़ा सुंदर भजन है। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल तो मिल जाए। बहुत बहुत इमोशनल भजन है, आई मस्ट से वन ऑफ माय फेवरेट भजन। व्हेन आई लिसन माय फादर सिंगिंग दिस भजन, बहुत सुंदर, जैसा वो गाते हैं ऐसा कोई नहीं गाता। एंड अच्युतम केशवम अंकुर एस ठाकुर जी, ओके। एंड जयति जयति राधा माधव, प्लीज प्लीज सर्चिंग इन ऑल ओवर यूट्यूब प्लीज, बट नॉट फाउंड लाइक योर्स, विष्णु प्रिया दास। आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, आपका अगला ट्रैक कृष्ण जी को लेके बनाइए, वो भी बहुत अच्छा होगा आई होप। ठीक है जी। एम रोए दीक्षा लहरी, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये भजन ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है जी, थैंक यू। उमंग अरोड़ा, भजन शुड बी ऑन जगन्नाथ जी, पुरुषोत्तम मास इज कमिंग। वाओ बहुत अच्छा आइडिया। जगन्नाथ सहारा
बन जाओ। फिर जगन्नाथ अष्टकम भी हम इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा ना, वी कैन मे बी डू अ मिक्सचर। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भीरि नारी कमल मस्वधूपा, रमा शंभु ब्रह्म गणेश अचरित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे। थैंक यू उमंग प्रभु, वेरी नाइस। Your videos all are awesome. Last scene best Radharani Meheli. Thank you. Jyoti Devi Dasi, with the blessing of Radharani, aap jo bhi track banaoge wo bestest hi hoga. We are waiting. Thank you. Madhav Tripathi says, Prabhuji, you should sing and record Madhurashtakam. It would be phenomenal. Yaar, Madhurashtakam bahut aa raha hai. Let's sing Madhurashtakam. Next track on Prabhupad, Abhimanyu, on Disappearance Day. Abhimanyu, mess. कभी नहीं सोच सकता था कि तू इतना गहरा भी सोचता है, मतलब हद है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, वंडरफुल, क्या बात है अभिमन्यु। मीनू अरोड़ा, एंड लाइन राधे राधे गोविंद राधे राधे, वेरी हार्ट टचिंग। नेहा शर्मा ऑसम, अच्युतम केशवम, सुधा सिंह, अच्युतम केशवम ट्रैक बनाइए प्लीज, वर्मा ये भी बहुत ट्रैक बार बार आ रहा है, कृष्ण और मीरा वजन नेक्स्ट, ऐश्वर्या आशीष, मनहारी का वेस्ट बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ये सॉन्ग पे वीडियो कीजिए, बंगाली में आपका नाम लिखा है, मैं शायद पढ़ नहीं पाऊँगा लेकिन थैंक यू। दामोदर सॉन्ग इफ पॉसिबल, कार्तिक मास, आशु जूजी, थैंक यू। भजो गौरंगा कहो गौरंगा, या फिर जीव जागो भजन पे नेक्स्ट ट्रैक बनाइए प्रभु जी। कृष्णा, आपको पता है जीव जागो बिना आई वॉन्टेड टू डू ट्रैक्स वॉज माई फर्स्ट ऑप्शन, मतलब मैं चाहता था कि मैं जीव जागो गाऊँ। वो मेरा आज फ़ोन का स्टैंड नहीं है इसलिए ये भी डांस कर रहा है, हो जा यार प्लीज़ देख ले, ख़त्म होने वाला है लाइव सेशन, दे दे थोड़ा साथ। भजो गौरंगा कहो गौरंगा, लोहो गौरंगे रो नाम रे, ये तो हो गया भजो गौरंगा कहो गौरंगा, और वो जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोता निद्र जागो माया पीसा चीर कोले, बाजी बो बोलिया ऐसे शमशरो बितारे, भूलिया रोहिले तो भी अविद्यानगर। बंगाली भजन है, कोलकाता बुलाना है आपको गोविंद जी, रणदीप सिंह जी धन्यवाद, जरूर आएंगे। एंड रूम पारोय, अंकुर जी, अच्युतम केशवम, नादिया गोद्रुम नित्यानंद महाजान पति अच्छे नाम हो तो जीव रो करान, रूम पारोय जी। ऑफ टॉपिक एक क्वेश्चन आया है और नीलुत्पल जी ने पूछा, मैं आंसर कर देता हूँ। जिनके माता पिता जीवित हो, जिनके माता जीवित हों वो क्या एकादशी व्रत रख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां भी पूछ रही हैं और बहुत सारे यूथ पूछते हैं कि जिनके माता पिता जीवित हैं, जिनके माता जीवित नहीं हैं, क्या वो एकादशी व्रत रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। जब लड़कियां अशुद्ध अवस्था में होती हैं क्या वो एकादशी व्रत रख सकती हैं? यस, रख सकती हैं। जब किसी के पत्नी के पति का स्वर्गवास हो गया है क्या वो तब भी व्रत रख सकती है? यस, रख सकती है। एकादशी व्रत किसी भी परिस्थिति में कभी भी खंडित नहीं होता, ये अपने आप में पूर्ण व्रत है। इस व्रत में सारे व्रत अपने आप में समाए हुए हैं, अलग से मंडे को एक शिव जी के लिए व्रत, ट्यूसडे पे हनुमान जी का व्रत, ऐसे अलग अलग व्रत रखने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म वेद पुराण में वर्णन आता है और गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, विष्णु पुराण में वर्णन आता है। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होता है, सारे व्रत रखने का उसका फल आपको केवल एकादशी व्रत रखने से मिल जाता है। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर। भारती दयाल सोमर, आई वुड लाइक टू डू प्रभु कृष्ण मेक ओवर ऑन यू राधे राधे। ऑल राइट, प्लीज डू कृष्णा मेक ओवर ऑन मी, साउंड्स कूल। मानसी कंबोज, प्रभु जी इट सीम्स लाइक राधा रानी हरसेल्फ इज विद यू, शी इज ऑलवेज विद मी, शी इज ऑलवेज विद मी। जय जय श्री राधे। श्रुति अग्रवाल, सॉन्ग गुरु वंदना, ठीक है जी जरूर। मंजुली व्रज गोपी देवी दासी, हरे कृष्ण टू यू। राजत मंडल,
मुंडाल डमर प्रणाम, इट्स स्वीट व्हेन यू सिंग बंगाली भजन इफ दैट इज पॉसिबल फॉर यू हरे कृष्णा। एक प्रॉब्लम मेरे साथ पता क्या आ रही है, मैं बहुत वैष्णव भजन गाना चाहता हूँ, मेरा हृदय से मेरी ये पुकार है कि मैं वैष्णव भजन गाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है हमें एक ऐसा भजन सेलेक्ट करना होता है जो यूनिवर्सल है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, लाइक वैष्णव भजन सिर्फ जो आर इस्कॉन डिवोटी वो समझ पाएंगे हमारे भावों को, लेकिन जो कोई और है ना एक्स वाई जेड वो समझ ही नहीं पाएगा कि जीव जागो गौर चांद्र बोले। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जीव जागो आप मंदिर के अंदर गाएंगे समझ में आएगा, लेकिन यूनिवर्सल कोई ऐसा भजन कभी कभी हमें चूज करना पड़ता है विच इज़ अंडरस्टूड बाय ऑल, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। सो माई मोटिव इज फर्स्ट आई यू नो लाइक एटलीस्ट आई अट्रैक्ट सम पीपल विद मी और आई कनेक्ट विद सम पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट माई विजन इज, हु अंडरस्टैंड व्हाट माई मोटिव इज, हु अंडरस्टैंड व्हाट माई थीम इज, एंड देन येस डेफिनेटली मेरा बहुत मन है। मेरा मन नहीं होगा मतलब हम वैष्णवों की गौड़ीय वैष्णव परंपराओं के अंतर्गत हम नहीं आ रहे हैं क्या? कैसी बात कर रहे हो? हमारे प्राण है वैष्णव भजन। दामोदर अष्टकम से पूजा सोनी अदिति प्रभु जी युगल अष्टकम कीजिएगा, ठीक है नेहा शर्मा दामोदर अष्टकम, दामोदर अष्टकम बहुत आया है और अच्युतम केशवम बहुत बार आ रहा है ना, और जगन्नाथ जी के लिए भी उनकी प्रसन्नता के लिए दामोदर अष्टकम फिर से आ गया। राहुल थैंक्स प्रभु जी, संडे वेल स्पेंट, संडे बिगिन विद सच ब्लिस। संडे को आप इसको ना सत्संग डे बना दो, श्याम संग संडे आपका होना चाहिए। प्रभु जी राधा रानी भजन का लास्ट सीन में तो टीयर्स वर इन दी आए, सच्ची में यू आर राइट रोजी पोपली जी, मेरे भी टीयर्स आए थे। प्रभु जी कैन वी मीट इन वृंदावन इस्कॉन, सौरभ सागर कुमार यस वी कैन वेन एवर आई कम, विष्णु स्तुति ओके, शिवोहम सुधा सिंह जी शिवोहम, धन्यवाद आपने शेयर किया, मे यू ऑलवेज हैव श्रीमती राधा रानी कृपा। थैंक यू राखी जी, अमित गिरधर वेरी जॉयफुल ट्रैक रियली लव्ड इट, जस्ट टू वर्ड्स राधे राधे। जितने भी लोगों को पसंद आया ना ट्रैक, जाके अभी ना जैसे ये लाइव सेशन कट जाते हैं ना फिर से देखना है ना, मतलब 61 से हम सीधा 71,000 पे चले जाएंगे। सॉरी हाँ स्वीट राधा कृपा कटाक्ष एंड तुलसी भजन पूज्य सोनू जी, नाइस ऑप्शन गुरु जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच्चिदानंद, वेरी नाइस क्वेश्चन मोनिका त्रिजी। सत चित और आनंद एक शब्द में तीन है, ये सच्चिदानंद में सत का मतलब भगवान सत है, भगवान हमेशा थे हमेशा हैं हमेशा रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं आप भी भगवान हो ये भी भगवान हो, ऐसे कैसे भगवान है, हम तो मर जाएंगे, भगवान हमेशा थे हमेशा रहेंगे हमेशा होंगे। तो सत्यम परम धीमहि, भगवान सत्य है, भगवान से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। सत सत का मतलब ये होता है, चित का मतलब होता है भगवान सब कुछ जानते हैं, है ना, भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते, इसका मतलब होता है चित, ऑल नॉलेजेबल, ठीक है। उसके बाद आनंद, भगवान आनंद घन स्वरूप हैं, भगवान के साथ आप संपर्क में आओगे तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तो सच्चिद आनंद का मतलब ये होता है, ठीक है। एंड नमा भी पूरी राधा रानी लगी, हर्षा पांडे जी सही बोल रहे हो। एंड नेक्स्ट ट्रैक मधुराष्टकम, पूजा गुप्ता जी लाइव सेशन सेव नहीं होता, राशि रावत जी पता नहीं मेरे को, ट्राई करूँगा। एंड भजन ओ श्री राम नेक्स्ट ट्रैक, भावे थनेजर्स इन द हाउस तेरा शुक्रिया है। ओके आगे बढ़ूँगा, मन चल रहे वृंदावन फिर आ गया है। एंड नहीं अगले इंस्टाग्राम लाइव के बारे में ये तो आपने कल बहुत अच्छा किया, रात को ही बता दिया था, थैंक यू। गोवर्धन वासी सांवरे ये शायद पूज्य इंद्रेश जी ने भी गाया है ना, बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी। शिल्पी शर्मा जी राधे 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 जी ठाकुर ठाकुर जी कब दर्शन देंगे, जब आपका खूब उनका हरिनाम खूब उनका नामों का कथा का सुमिरन करेंगे। ऑल राइट आई थिंक आई शुड लीव नाउ, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है, मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रही है। हेमंत शर्मा से इज वाओ एंड मोहिनी भार्गव इज ऑल्सो हियर, बोलो राम पूजा गुप्ता एंड लॉर्ड ऑफ मैसेजेस, यार लॉर्ड ऑफ मैसेजेस, एक मीरा भजन तो गाना चाहिए बिल्कुल।
यू आर टू क्यूट निरुता चेट्रू जी, अच्छे लगते हैं ऐसे कमेंट्स, थैंक यू। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो एक बार, वृंदावन के तो आकर तो देखो, वेरी नाइस। मीनू अरोड़ा जी ने बड़ा अच्छा भजन बताया। एक्सक्यूज मी जस्ट वन सेकेंड। दिस इज अ नाइस ऑप्शन। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावर को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आ कर तो देखो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी है ये तो। हरे कृष्णा पूर्ण प्रणाम। जोएल बेले मद नैनो वाला सॉन्ग बहुत टिपिकल है। सोनी कश्यप जी, राधे राधे, फर्स्ट टाइम जॉइन यू, यू आर दी बेस्ट जी के टी। दुर्गा अग्रवाल जी, थैंक यू जी। उसके बाद कौन क्या बोल रहा है, सैल्यूट योर एफर्ट एंड एंथुसियाज्म, प्लीज कीप इट अप। दीपांज घोष, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। नरसिम्हा प्रिय, रूपा रॉय, कृष्ण और मेरा वजन नेक्स्ट। ऐश्वर्या आशीष, एंड सेशन प्रभु प्लीज, यू सीम सो टायर्ड। शुक्र है आपको पता लग गया, आई सीम टायर्ड ना। ओके, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। पता है मेरे को जानबूझ कर पढ़ना पड़ता है कमेंट्स, और मैं चाहता भी हूँ पढ़ना आप सबके कमेंट्स, ताकि किसी को ऐसे ना लगे कि मेरे कमेंट्स नहीं पढ़े। एवरी वन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, लवेबल फॉर मी, बट देर आर एंड नंबर ऑफ। मुरली मनोहर, बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। प्रभु जी बंगाली भजन ट्राई कीजिए एक दिन प्लीज़, आपकी वॉइस में सुनना चाहती हूँ। एंड बहुत सारे मैसेजेस हैं। प्रभु जी, आई लव टू मीट विद यू वंस इन माई लाइफ, आई होप वी कैन मीट। ऑफकोर्स यू कैन मीट मी, कम टू कुरुक्षेत्र व्हेन द लॉकडाउन इज ओवर। यहीं पर तो हूँ मैं यार, देख सिंपल सा बंदा हूँ मैं, कोई वो थोड़ी ना हूँ कोई स्टार स्टूल, बहुत सिंपल सा लड़का हूँ, बहुत सिंपल मतलब हद सिंपल। पूछो उन लोगों से जो मेरे को जानते हैं। वंस इन माई लाइफ आई होप वी कैन मीट, यू आर सो नाइस टू एक्सप्लेन, ऑल सो स्वीट, कैन यू प्लीज सिंग अच्युतम केशवम। प्रभु यस, ओके ओके, आई एम गोइंग नाउ। बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं सबके नाम ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, सबके नाम ले लेता हूँ। एंड मेरे को अभी भी एक खुशखबरी मिली है, आई गेस यस, संकेत जी जस्ट कमेंटेड राइट नाउ, राधे गोविंद द ट्रैक जो मेरा है वो 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। सो राधे गोविंद द ट्रैक अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ गो टू माई यूट्यूब चैनल, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। ये राधे गोविंदा ट्रैक हमारा 1 लाख जस्ट अभी टच किया है, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ओवर, प्लीज़ गो एंड चेक दैट ट्रैक आउट ऑल्सो। जी के डी लव यू भाई, दीपक विज लव यू टू, तुम प्रेम हो प्रीत हो मन मीत हो राधे। यार ये तो मेरे को भी बड़ा पसंद है, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, बहुत सुंदर है ये। साहिल हिंदुस्तानी, गोवर्धन, आई वॉन्ट मीट यू प्रभु एंड आई वॉन्ट टू फॉलो यू इन पर्सनल लाइफ। बहुत सारे नाम है यार। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, ऑल फिल्ड विद प्योर डिवोशन लव एंड आर्ट, राधे ओमी शर्मा, थैंक यू। प्रभु जी वाई नॉट रिप्लाइंग, संजय शाह, देखा देखो अब ये नाराज हो जाते, अब मैं क्या करूँ भाई, प्यास लग रही है, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। आप यार एक बात है, बंगाल की और कोलकाता के लोग तो मेरे मतलब आई लव यू गाइस, आप बहुत सही हो, मतलब अगर देखना हो कि ना, यू गाइस आर वंडरफुल, बट मैं बहुत टायर्ड लग रहा हूँ अब, मैं जा रहा हूँ, मेरे बाल भी मेरा साथ नहीं दे रहे अब, ऐसे कौन बोलता है, लेकिन कोई नहीं मैं जा रहा हूँ। यू गाइस आर फैमिली ना, आप परिवार हो सब जानते हो। जाऊँ मैं अब देखो मैं ऐसे स्क्रॉल करो ना, इतने सारे नाम पढ़ रहा हूँ बस, देविका दत्ता, आकाश दोबिया, ज्योति वर्मा, सोनी गंती, संजय शाह, देव घोष, एम रॉय, रितेश शर्मा, आशीष सोनी, निरुता, प्लीज़ कम लाइव ऑन इंस्टा इन द नाइट, आई ट्राई माय बेस्ट, पूनम ए सॉन्ग ऑन राधा एंड कृष्णा जी के डी, नेहा शर्मा, दानिश मेहरा, एंड देन रितेश शर्मा, एंड देन सुब्रत रॉय, कंचन ठाकुर, सुजिन गांधी, उसके बाद कीर्ति रॉय। प्रभु जी 2 लाइन्स ऑफ राधा रानी लागे प्लीज़, लास्ट में वो श्लोक गाऊंगा उसके बाद मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद और कौन कौन है, प्रभु जी एवरी संडे आपको लाइव आना चाहिए, यस एवरी संडे आज से मैंने डिसाइड कर दिया है, 11 o'clock, 11 AM, आई रिपीट, एवरी संडे 11 बजे मैं लाइव आया करूँगा, सो दोज वांट टू बी माई फैमिली
मोस्ट वेलकम। एंड तुलसी एंड कविता सलूजा जी, मनुजा यादव जी, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, ये एक बहुत सुंदर भजन है। यस, गाए जाते हैं विनोद अग्रवाल जी की जय हो, सौरभ सागर जी एंड आई कांट बहुत सारे नाम हैं। ओके, दो मिनट हम श्लोक मैं चलाऊंगा राधा रानी लागे में से, वो जो श्लोकों का पार्ट है थोड़ा सा गाऊंगा एंड देन आई टेक यू लीव। आई होप यू हैड एंजॉयबल ब्लिसफुल संडे विद जी के डी। आइए राधा रानी लाग। आप लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया है ना, अभी लाइव जैसे खत्म होएगा आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे और क्या करोगे, राधा रानी लागे फिर से सुनोगे। आपने मेरे को प्रॉमिस किया था, ऐसे मत करना। और आपने ये भी बोला था कि इंस्टाग्राम पे आप आओगे, जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं हो आपने ये भी बोला था, ठीक है ना, वादा नहीं तोड़ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। डोंट कम एट 11 ऑन लास्ट संडे। ओ फोन कहाँ जा रहा है, बिकॉज ऑफ मोदी मन की बात। अच्छा, मन की बात कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी मन की बात करते हैं 11 बजे, और जी के डी दिल की बात करते हैं 11 बजे। अब क्या करें, मन की बात सुननी है कि दिल की बात सुननी है? ऑब्वियसली मन की बात सुननी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हमारे। अब यार ये नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया यार। भाई मैं आपसे ही पूछता हूँ, गाइस टेल मी 11 AM और 12 AM संडे को व्हाट टाइम शुड आई कम लाइव? प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई कर देना, जल्दी से प्लीज़। और उसके बाद मैं ट्रैक चला रहा हूँ, थोड़ा सा गाऊंगा, सब मस्ती करेंगे और मैं जा रहा हूँ। हाई केक कटिंग करेंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, पिज्ज़ा मैंने सोचा हुआ है, कल पार्टी करेंगे, कुछ सारी फोटोज डालूंगा मैं आपको, ठीक है? और याद रखना, मैं आपको याद करूंगा जब मैं केक काटूंगा और जब हम पिज़्ज़ा भी खाएंगे। सुन रहा है अभी मन्यू? हाँ ओके, 11 AM और 12 AM और 10 AM। ओ माई गॉड, ओके 10 AM भी एक ऑप्शन आ रहा है। ओ माई गॉड, लॉट ऑफ 10 AM। मंजूषा जी से 10 AM, संजीव ठाकुर 10 AM, सुरजीत नायक 10 AM, बट दिल की बात ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्वीट सचिन जी, सो स्वीट, दिल को छू दिया आपने। आई वॉन्ट टू मीट विद यू वंस इन माई लाइफ। अरे लॉट ऑफ टाइम, नॉट वंस। निरुता छेत्री 11, रिंकी बोस 12, निरुता छेत्री 11, अगेन निरुता छेत्री 11, 12 AM विल डू, निरुता छेत्री अगेन 11, 11 AM एम रोए, 11 AM संचिता घोष, 11 AM अगेन। मैं 10 AM इसलिए नहीं रखता क्योंकि ज़रा जल्दी हो जाएगा, 12 PM लोग खाना खुना खा रहे होते हैं, कोई सो सा ना जाए, लाइव में सोना जाए, तो इसलिए बीच में 11 AM मैंने सोचा था। राखी अगेन 11, भारती दयाल 11, ये सही जा रहे हैं, ये अच्छे हैं, मेरी बात को सुन तो रहे हैं, मतलब अगेन 10 AM फिर आ गया 11 AM, संचिता घोष अगेन 11 AM, राशि रावत अगेन 11 AM, सारा जैन 11 AM, पूजा सोनी 12, 11 अगेन, निरुता छेत्री ने बहुत सारे दिल भेज दिए, वामन देव की जय, राशि रावत जी 27 AM, 27 AM कौन सा है, मतलब 7, 8 और 9, मतलब 9 AM, हद है, कौन है ये? प्रियोत्तम कुमार विश्वास, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, बहुत लव फैल रहा है आज हवा में, लव इज इन द एयर है। 11 AM अगेन, कृष्णा की बात GKD के साथ, क्या बात है। 12, 11 प्लीज, 11 AM, आई गेस 11 इज फाइन यार, प्लीज गाइस 11 कर लेते हैं ना, 12 बहुत लेट सा हो जाते हैं, 10 बजे तक तो सो के नहीं उठते लोग संडे को। श्रुति अग्रवाल वर्सेस सेज 11 ही रख लो ना प्लीज़ यार, देख रिक्वेस्ट है ना यार, 10 बजे कोई सो के नहीं उठता संडे को, 12 बजे सब खा पी रहे होते हैं, प्लीज़, दिस इज नाइस, यू कम व्हेन एवर यू आर कंफर्टेबल। टीना रोहित व्यास, प्रभु कीप इट अप एज इट इज़, 12 PM हेमंत शर्मा, 11 AM अगेन, 11 नहीं 5 PM, अब 5 PM पे आगे, 4 AM उठ मैं जब करती हूँ प्लीज़, 10 PM एनी टाइम, 10 इज़ ओके। मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया हूँ यार, 11 और 10 के बीच में कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, 12 बजे तो नहीं रखेंगे हम, 11 और 10 के बीच में, ठीक है। एनीवेज आई विल अपडेट यू, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई गेस 11 AM, मैक्सिमम 11 AM ही आ रहे हैं, सो फॉर राइट नाउ वील जस्ट कीप इट एज 11 AM, 11 AM दिल की बात GKD के साथ, बहुत ऑसम टॉपिक्स सेशंस टॉक्स आपके साथ लेकर आऊँगा। शायद मेरे पास एक और आइडिया है, एक दिन पहले ही मैं आपको दो टॉपिक्स का ऑप्शन दिया करूँगा कि आपको किसके बारे में सुनना है, आप उसको चूज़ करेंगे, तो आउट ऑफ द नंबर ऑफ मैक्सिमम पीपल रिप्लाइंग टू विच टॉपिक आई विल चूज़ दैट टॉपिक।
इतना कहते हुए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी लागे दो मिनट के लिए एंड देन वील कंक्लूड दिस लाइव सेशन एंड आई विल गो टू हैव ब्रेकफास्ट एंड यू विल ऑल्सो हैव ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, ठीक है। 11 कंफर्म कर दिया, बस डन 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 11, एक और 11। राधा नाम रटत है जो नर आठोयाम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोयाम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल, राधा नाम में सफल, जिंदगानी लागे महारानी लागे, मन्ने कारो कारो अजीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे, मन्ने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद कालेश्वरी, व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्राणमामे हरि प्रिये, सप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्राणमामे हरि प्रिये, प्राणमामे हरि प्रिये, कमेंट राधे राधे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, मास्क पहनकर बाहर निकलिएगा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज कीप चैंटिंग हरे कृष्णा, ईट हेल्दी, स्टे विद गुड फ्रेंड्स हु गिव यू पॉजिटिविटी, who bring you closer to Krishna, and हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहिएगा। I hope your next week is filled with happiness, filled with bliss, filled with Srimati Radharani's mercy, hoping and praying to Srimati Radharani for everyone's happiness. Jai Jai Shri Radhe, I'll meet you next Sunday 11 AM, दिल की बात GKD के साथ। कोई गलती होगी हो, कुछ अपराध हो गए हो, किसी के प्रति मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, आई पे माई प्रणाम्स टू यू, आई बेग फॉरगिवनेस, क्षमा कर दीजिएगा। आई कंक्लूड माई संडे लाइव दिल की बात टुडे ओवर हियर। हरे कृष्णा। याद रखिएगा, राधा रानी लागे डांस चैलेंज, आई विल सून अपडेट द डिटेल्स ऑन माई सोशल इंस्टाग्राम। लव यू ऑल, हरे कृष्णा। GKD।